अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा कल जो है मैंने आपके साथ जो है वो एक क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आज हमने उसकी जो कंटेंट को यानी टॉपिक्स को या उसके अंदर जो बैटर्स वगैरह हैं उसको डिस्कस करना है। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू गाइस कि जो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है पेज नंबर 31 वर्कबुक नंबर 3B में, जिसमें जो है वो क्वेश्चन ए की वर्डिंग से ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स फॉलोड बाय COM का मतलब है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद के इवेंट्स बताएं। और ऑब्वियसली जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पढ़ लीजिएगा एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी जो है वो बर्थ से लेके डिमाइस तक का हमारे पास पूरा चैप्टर है। अब कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद हुजूर इस्लाम जो हयात रहे 2-2.5 साल, उन 2-2.5 सालों में कौन कौन से बड़े इवेंट्स हुए, तो मैंने इन तमाम की एक सीक्वेंस बनाने के लिए क्वेश्चन डिजाइन किया है। लेकिन एक्चुअली इसके अंदर जो है पास्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 डिफरेंट सवाल मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन ना कंसिडर किया जाए, क्योंकि जब फाइनल्स के या कैम्ब्रिज एग्जाम्स की प्रैक्टिस हो रही थी तो बच्चों के जो है वो 2 क्वेश्चन आते हैं, सर इवेंट्स फॉलोड बाय ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है वो 20 मिनट्स में नहीं हो रहा। नहीं होगा ना बेटा, वो 35 मिनट्स का क्वेश्चन है, उसके अंदर 2 डिफरेंट पासवर्ड्स का जो है मर्ज करके उसको एक क्वेश्चन बनाया गया। फिर ये वाला क्वेश्चन जो है 3 डिफरेंट पासवर्ड्स, तो बच्चा कहता है कि सर ये तो जो है वो 30-35 मिनट्स में भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 60 मिनट्स में हो सकता है, इसके अंदर 3 डिफरेंट पासवर्ड्स हैं। तो कभी एग्जामिनर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम की जो है वो डेथ से पहले के इवेंट्स में कौन कौन से सवाल पूछ सकता है? एक तो क्वेश्चन आ सकता है राइट एन अकाउंट ऑफ द मेन इवेंट्स ऑफ सीज ऑफ हुनैन एंड ताइफ एंड तबूक एक्सपीडिशन। पहले तो ये कभी नहीं आती थी, 2013 तक तो जो है बदर और ट्रेंच के अलावा कोई बैटल नहीं आई, लेकिन एग्जामिनर ने उसके बाद जो है वो खैबर, बैटल ऑफ मुता, सीज ऑफ हुनैन एंड ताइफ और तबूक जाइए और तबातर से यानी कि वाफल मार से जो मुस्तकिल देना शुरू कर दिया। फिर जो ईयर ऑफ डेलीगेशन है इस पर तो कोई सवाल नहीं बनता। ईयर ऑफ डेलीगेशन बेसिकली एक छोटा सा एक डिस्कशन है कि जी प्रॉफिट को बहुत सारी डेलीगेशन से जो है वो हजरत मोहम्मद को बहुत सारी डेलीगेशन से विजिट किया मदीना में, इसीलिए जो इस ईयर का नाम ईयर ऑफ डेलीगेशन है। फिर जी एक क्वेश्चन है कि ट्रेस द मेन इवेंट्स ऑफ द लास्ट ईयर्स ऑफ प्रॉफिट्स लाइफ। ऑफ द लास्ट ईयर्स ऑफ प्रॉफिट्स लाइफ अगर आएगा तो उसमें आपको जो है वो 9 AH से लेके 11 AH तक के इवेंट्स लिखने होंगे, यानी कि अगर लास्ट ईयर्स का सवाल आए तो उसमें आपको तबूक एक्सपीडिशन, ऑब्लिगेशन ऑफ हज, प्रॉफिट्स हज, सेरेमन, इलनेस एंड डिमाइस के एरियाज को कवर करना पड़ेगा। आप समझना इस बात को कि अगर वो आपसे लास्ट ईयर्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे सवाल में आपको तबूक से गुफ्तगू स्टार्ट करनी है, प्रॉफिट का हज कंसाइजली बताना है, सेरेमन जो प्रॉफिट ने डिलीवर किया उसके कुछ पॉइंट्स बताने हैं, प्रॉफिट की डेथ को बहुत जो है वो कंसाइजली डिस्कस करते हुए जो है वो प्रॉफिट की जो है वो विसाल तक की बात कर दी। लेकिन फिर ये दो सवाल हो गए, लेकिन कभी सवाल आता है जो मैंने कल आपको बताया था राइट अकाउंट ऑफ द लास्ट ईयर ऑफ प्रॉफिट्स लाइफ, अगर लास्ट ईयर का क्वेश्चन आता है तो फिर उस क्वेश्चन में ऑब्लिगेशन ऑफ हज से बात स्टार्ट होती है, प्रॉफिट का हज तफसील से आता है, उसमें उसमें प्रॉफिट के रिचुअल्स क्या थे वो भी बताए जाते हैं, प्रॉफिट ने जो सर्मन डिलीवर किया था उसकी भी 8-9-10 टीचिंग्स बताई जाती हैं, और प्रॉफिट भी उनके इंतकाल से पहले 14 दिन पहले क्या हुआ, 7 दिन पहले क्या हुआ, 5 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले क्या हुआ, विसाल से 1 दिन पहले क्या हुआ, विसाल वाले दिन क्या क्या हुआ, प्रॉफिट ने क्या क्या नसीहतें की। तो इस सूरत हाल में आपके सवाल सामने आज हम जो डिस्कशन स्टार्ट करें वो 3 अलग सवाल है, जिनमें से 1 या 1.5 सवाल हम लोग आज कर लेंगे, और जैसे जैसे कोई नया पासवर्ड उसमें ऐड होता रहेगा तो मैं ये सवाल के आगे और क्वेश्चन की वर्डिंग सिखाता रहूंगा। बस एक बात जहन में रखनी है और चाहो तो इस बात को लिख लो कि दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम पास पेपर्स, तो इसकी रिटन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। आगे जो सवाल आते रहेंगे या बैक साइड पे जो वर्कबुक के होंगे उसकी रिटन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर कोई एक साथ प्रैक्टिस करने बैठेगा सीख से लेके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिमाइस तक, तो स्टूडेंट को जो है वो तकरीबन 60-65 मिनट्स लग जाएंगे ये आंसर खत्म करने में, जो कि 1 घंटे का आंसर है तकरीबन। तो आप एक काम कीजिए जनाब, उसके नीचे जो है वो हमने जो है वो गुफ्तगू स्टार्ट करनी है, तो आप लोग जो है वो यहाँ पर सीज ऑफ हुनैन एंड ताइफ की हेडिंग दे दें। देखिए P1, सीज ऑफ हुनैन एंड ताइफ। सीज ऑफ हुनैन एंड ताइफ, इसके बाद आपने आराम सुकून से बैठ जाना है सर और मेरी गुफ्तगू सुननी है। ऐसा है जो स्टॉलवर्ड्स मेरी बात सुन रहे हैं उन लोगों ने मेरे साथ ताइफ का डिस्कशन अभी तक किया नहीं है, लेकिन जब इन फ्यूचर आप लोग ताइफ मेरे साथ पढ़ लेंगे तो फिर आपको ये चीजें समझ में आएंगी। पर मेजोरिटी स्टूडेंट जो कि बाकी सारे स्टूडेंट्स कोचिंग के, उन सबने मुझसे जो है वो ताइफ का टॉपिक पढ़ लिया है। तो हमने जब ताइफ का डिस्कशन किया था तो इन दी ईयर इन द 10th ईयर ऑफ प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, वो ताइफ प्रीचिंग के लिए गए थे अलॉन्ग विद हजरत ज़ैद बिन हारसा।
जब टाइप प्रीचिंग करने के लिए गए थे तो टाइप कहलाता था सेकंड लार्जेस्ट टाइप ऑफ अरबिया, तो कुरैश वॉज द लार्जेस्ट टाइप ऑफ अरबिया, और जो सेकंड लार्जेस्ट टाइप ऑफ अरबिया थे वो टाइफ के लोग थे, और टाइफ के लोग जो है वो आर्चरी में बहुत ज्यादा यानी देवर स्किल्ड आर्चर्स स्पेशली बनू हवाजैन के लोग, और टाइफ के लोगों का ताल्लुक दो मेजर ट्राइब से था, एक था बनू सकीफ और दूसरा बनू हवाजैन। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया कि प्रॉफिट ने खैबर के बाद बहुत सारी एक्सपीडिशंस फाइट की, जिनमें प्रॉफिट की एक्सपीडिशंस मेजर किससे हुई थी, गतफान से और हवाजैन से। तो टाइफ के जो आइडोलेटर्स थे, जो आइडल वर्शिपर्स थे, वो जाहिर सी बात है प्रॉफिट को नकुत के स्टार्ट से ही पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इनका हमारा एक एपिसोड बहुत मशहूर है। तो टाइफ के जो हजरात हैं जो बनू सकीफ और हवाजैन से, एक बात टाइफ एक स्ट्रॉन्गली फोर्टिफाइड एरिया है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अमेजिंग जगह है, वहाँ फूड और वाटर सप्लाई की कमी नहीं है, वहाँ विनयार्ड्स होते हैं, यानी अंगूर के बागात थे बहुत सारे। दूसरी बात यह कि टाइप के लोग जो है वो सेकंड लार्जेस्ट टाइप ऑफ अरबी है, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, स्पेशली उनके जो स्किल्ड आर्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा अमेजिंग जो है वो कार्रवाइयां दिखाते हैं ड्यूरिंग वॉर्स। तीसरी बात यह कि जब प्रॉफिट 10th ईयर में टाइप गए थे प्रीचिंग करने के लिए, तो यालीन मसूद हबीब हो या वहाँ के स्ट्रीट हुलिगन्स हो, उन्होंने प्रॉफिट को दर्दीले तरीके से जो ट्रीट किया, दे टॉर्चर्ड प्रॉफिट ब्रूटली, ज़ैद बिन हारसा को जख्मी किया, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो एक बहुत ज्यादा अज़ियतनाक जो है वो एक मिशन बना। फिर प्रॉफिट भी हमको टाइप से वापसी पर अलकर नामी मुकाम पर एंजल ऑफ माउंटेन्स ने जो है अल्लाह की तरफ से ऑफर किया कि ओ मोहम्मद इफ यू से सो आई कैन क्रॉस द पीपल ऑफ टाइप बिटवीन द टू माउंटेन्स कॉल्ड अल अहज़ाबैन। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ करने के बजाय प्रॉफिट ने फरमाया व्हाई शल आई प्रे फॉर देयर डिस्ट्रक्शन, आई होप अल्लाह विल बिगेट देम चिल्ड्रन हु विल वर्शिप नन बट अल्लाह। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ हिदायत की कि जल्द ये लोग हिदायत पा जाएंगे, और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि इनको इनके साथ बदला नहीं बल्कि इस साथ जो है मामला रहम का किया जाए और इनको जो है हिदायत से नवाजा जाए। तो ये सारे एपिसोड्स हमारे पिछले हैं, उन तमाम एपिसोड्स को लेके एक बात और याद रखनी थी कि टाइफ के लोगों के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन और सिखाई थी मैंने कि ये लोग पॉलीथीज थे, आइडल वर्शिपर्स थे, लेकिन दे यूज टू बी दे वर दी यू नो द बिगेस्ट फैन ऑफ द सीनियर मोस्ट आइडल ऑफ द लैंड ऑफ अरबिया कॉल्ड आइडल नाथ। तो मुझे ये बताइए कि आपने इससे पहले जो मुझसे टॉपिक पढ़ा नहीं, कौन-कौन सा मक्का से पहले जुम्मे को आपने टॉपिक पढ़ा, कौन-कौन सा मक्का, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचते हैं मक्का यानी कि काबा, प्रॉफिट ने जो है वो एक जो है वो सक्सेसफुल एंट्री ली इन द सिटी ऑफ मक्का टुवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ काबा, तो हजरत मोहम्मद ने वहां पर कितने आइडल्स तोड़े थे, प्रॉफिट ने काबा के बाहर रखे हुए कितने आइडल्स तोड़े थे, 360 आइडल्स का टूट जाने का मतलब ये है दैट वॉज अ लॉस ऑफ पोलिटिज्म। ये जो नुकसान हो रहा है ये नुकसान पोलिटिज्म का है, यानी कि एक बड़ा रिलीजन जो है पोलिटिज्म उसको एक बहुत बड़ा झटका पहुंच रहा है। तो नंबर वन टाइप के जो लोग हैं उनका एक बड़ा नुकसान हुआ और नुकसान था लॉस ऑफ पोलिटिज्म। लेकिन दूसरा टाइप के लोग सबसे बड़े फैन थे आइडल लात के, और आइडल लात भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वुडन स्टिक से यानी कि असे से तोड़ दी थी। तो टाइप के लोगों का दो नुकसान हुआ, नंबर वन लॉस ऑफ पोलिटिज्म, नंबर टू लॉस ऑफ आइडल लात। तो टाइप के लोग डिसाइड करते हैं कि दे वुड लाइक टू टेक रिवेंज ऑफ द लॉस ऑफ देयर रिलीजन, दे वुड लाइक टू टेक रिवेंज ऑफ द लॉस ऑफ देयर सीनियर मोस्ट आइडल कॉल्ड आइडल लात। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का कैप्चर करते हैं, टाइफ में न्यूज़ जाती है, टाइफ के लोग आग बबूला होते हैं, एंड नाउ द पीपल ऑफ टाइफ वुड लाइक टू अवेंज द लॉस ऑफ देयर रिलीजन, दे वुड लाइक टू अवेंज द लॉस ऑफ देयर सीनियर आइडल कॉल्ड आइडल लात। इसके अलावा टाइफ जो है उनके जहन में एक इनसिक्योरिटी भी है, और वो इनसिक्योरिटी जो टाइफ के जहन में वो ये है कि 11 ईयर्स बैक when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam came to our city, the city of Taif, Prophet peace upon him was a defenseless person. He did not have any army. He was just an individual coming with his adopted son and freed slave named Zaid bin Harsa. So Prophet बड़े कमजोर और वीक से एक individual थे, तो हमने Prophet के साथ उस वक्त बहुत दर्दीला और दर्दनाक किस्म का सलूक किया। Now the people of Taif were thinking कि Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam would be coming because Prophet has become a gigantic army now. तो Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam अपनी उस insult का बदला लेने के लिए आएंगे। Taif वालों की छोटी सोच है, जबकि Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने अगर बदला लेना होता तो उसी दिन बद्दुआ करके बदला लेते। तो एक इनसिक्योरिटी उनके दिल में ये है कि हुजूर एक बड़ी पावर बन गए, तो प्रॉफिट अपना पास्ट का जो हमारे साथ जो दुश्मनी है, जो हमने स्ट्रीट होलिगन से उनके साथ बदतमीजी करवाई थी, उसका बदला लेने के लिए आएंगे। लेकिन तीसरी उनकी एक पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी थी, दे फेल्ट दैट कि आफ्टर कैप्चरिंग द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ अरबिया कुरैश, नाउ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज गोइंग टू कैप्चर और इन्वेड अस बिकॉज वी आर बनू सकीफ एंड बनू हवाजैन एंड वी आर द सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ अरबिया। सो द पीपल ऑफ टाइफ they were insecure to be invaded, they were insecure that prophet is going to take revenge from them, and the people of time they want to take revenge of the loss of their idol lord, and they want to take revenge of the loss of their religion called polytheism. Therefore the people of time they raised an army of 20,000 men under the leader called Malik bin Auf. Malik bin Auf obviously unka celebrity hai, unka strong leader, and they highly hope ki Malik bin Auf ki leadership mein ye musalmanon ki 10,000 ki army ko defeat kar sakte hain. Now you need to understand Malik bin Auf was a valuable person. Malik bin Auf ko jab ye task diya gaya ki humne jana hai badla lena hai aur musalmanon ki jo party hai jo abhi makkah aayi hai isse pehle musalman makkah se wapas hain unko nishtanabood karna hai,
मालिक बिन औफ ने एक अजीबो गरीब बात कर दी जिसके बाद लोग जो है अजीबो शशोपंज में पड़ गए। मालिक बिन औफ कहता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू वॉर, हम जाएंगे हुनैन की वैली में कैंप करेंगे और वैली ऑफ हुनैन पे जब हम कैंप करेंगे सो वी आर गोइंग टू टेक फुट सोल्जर्स विद अस, वी आर गोइंग टू टेक स्किल्ड आर्चर्स विद अस, क्योंकि बनो हमज़ैन के जो आर्चर्स थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर और स्किल्ड थे। तो ये तो ऑब्वियस है ना, बैटल में जाओगे तो फुट सोल्जर्स कैवलरीज और आर्चर्स और जो है वो फाइटर्स आप साथ लेके जाओगे। पर मालिक बिन औफ ने यहाँ पर एक अजीब और गरीब जो बात करती वो ये, मालिक बिन औफ सेड दैट के अलोंग विद द सोल्जर्स जो कि 20,000 सोल्जर्स हैं, वी नीड टू टेक विद अस वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो मालिक बिन औफ कहता है हम अपने साथ औरतों और बच्चों को लेके जाएंगे, इस चीज को हम लोग बोलेंगे मेरा बच्चा फैमिली। तो मालिक बिन औफ कहता है कि तुम लोग तो चलोगे ही चलोगे, तुम्हें अपनी फैमिलीज को साथ रखना पड़ेगा। फिर कह रहा है यू नीड ऑल्सो नीड टू टेक योर पोजेशंस, यानी कि आपके पास कोई वैल्यूबल्स हैं गोल्ड या सिल्वर तो वो भी आप लेके जाएंगे, और तीसरा आप लेके चलेंगे लाइव स्टॉक। सो आई वॉन्ट यू टेक विद यू अलॉन्ग विद द फोर सोल्जर्स एंड आर्चर्स, आई वॉन्ट यू टेक विद यू वुमेन चिल्ड्रन पोजेशंस एंड लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक तो आपको मालूम है जी, ये भेड़ बकरियों की बात हो रही है, और जहां पर भी विलेज लाइफ स्टाइल या खेती बाड़ी की बात हो तो वहां पर जो है वो इन चीजों की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो मालिक बिन औफ ने जब ये बात बोली तो पीपल सेड टू मालिक, मालिक अब व्हाई यू आर आस्किंग अस टू टेक विमेन चिल्ड्रन पोजेशन एंड लाइवस्टॉक विद अस, इफ वी आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट मुस्लिम्स विद आवर सोल्जर्स, इफ वी आर गोइंग टू बी विक्टोरियस दैट्स फाइन, एंड इफ वी लूज द बैटल तो ऑब्वियसली सोल्जर्स वापस आएंगे, हम रीग्रुप होंगे, कुछ अरसे बाद दोबारा अटैक करेंगे, लेकिन इन आइदर केसेस अगर हम सोल्जर्स के साथ जाएंगे तो हमारी फैमिलीज, हमारी वेल्थ, हमारी पोजेशन, हमारी खेती बाड़ी के लिए जानवर, ये सारे सारे महफूज रहेंगे, तो व्हाई शुड वी टेक आवर विमेन चिल्ड्रन पोजेशन लाइवस्टॉक विद अस। तो पीपल वर रिलक्टेंट, मालिक बिन औफ की इज्जत बहुत ज्यादा थी लेकिन दे वर नॉट विलिंग टू टेक देयर फैमिलीज विद देम। अगर आपसे कहा जाए कि भाई जैसे पाक फौज के लड़के जो है वो जाते हैं जो है वो बॉर्डर पे, उनसे कहा जाए कि बॉर्डर पे जब आप जा रहे हैं जंग करने के लिए इंडिया से, तो आप अपनी फैमिलीज को, अपनी पोजेशंस को, आपके पास जो कुछ भी मौजूद है सब बेच के सबको वहां पर लेके चले जाए, तो कहेगा भाई मैं जान देने के लिए तैयार हूं, पर मेरी नस्ल तो बढ़ जाए, मेरे बीवी बच्चे मेरे वालदैन ये तो बच जाए, इनको ले जाके मैं क्यों वहां पर कुर्बान करूं, अगर मैं अगर फंस गया वहां पर इंडिया के सामने तो कम से कम मेरी औलाद में नस्ल तो बच जाए। तो मालिक बिन औफ ने जब ये बात बोली तो हियर मालिक बिन औफ ही सेड टू हिज पीपल एंड मालिक सेड दैट यू हैव गिवन मी द टास्क टू डिफीट अ ह्यूज आर्मी, अ रेजिंग आर्मी व्हिच इज नाउ अबाउट टू बिकम द मास्टर ऑफ अरबिया, दैट इज द आर्मी ऑफ मुस्लिम्स, एंड इफ यू वुड लाइक टू डिफीट द मुस्लिम आर्मी दे आर सो डिटरमिन्ड इन द बैटलफील्ड दैट देयर इज ओनली वन वे ऑफ डिफीटिंग द मुस्लिम आर्मी एंड दैट वे इज टू फाइट विद एन एटीट्यूड कॉल्ड डू और डाई स्टेट। डू और डाई स्टेट का मतलब ये है कि आप जब किसी जंग के लिए जाएंगे या तो आप मर के आएंगे या दुश्मन को मार के आएंगे। तो मालिक सैद, इफ यू लाइक टू डिफीट सच ए स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ मुस्लिम्स, देयर इज नो अदर वे ऑफ डिफीटिंग देम अदर देन फाइटिंग विद द कॉज, फाइटिंग विद एन एटीट्यूड कॉल्ड डू और डाई स्टेट। मालिक सैद, इफ यू गो टू द बैटल फील्ड विदाउट योर पोजेशंस एंड विदाउट योर फैमिलीज, सो अगर मुसलमानों ने आपको टफ टाइम दिया तो आप वहां से भाग कर आ जाओगे, लेकिन इफ योर फैमिलीज वुड बी देयर, योर विमेन एंड चिल्ड्रन, इफ योर वेल्थ वुड बी देयर, पोजेशंस एंड लाइवस्टॉक, तो फिर अगर मुसलमानों ने बहुत सख्त भी मुकाबला किया फिर आप भाग के नहीं आ सकते, क्योंकि वहीं आपकी फैमिलीज होंगी, वहीं आपकी वेल्थ होगी, तो या तो आप मुसलमानों को हरा कराओगे या वहां पर मर कराओगे। मालिक बिन औफ ने जब इस बात को एक्सप्लेन किया लोगों को तो पीपल थॉट दैट दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज रिस्क, क्योंकि हम यहाँ पर जंग के साथ साथ अपने पूरे खानदान लूज कर सकते हैं। मालिक बिन औफ की जब लोगों ने बात नहीं मानी तो मालिक टुक अ स्वॉर्ड आउट एंड मालिक ने तलवार निकालने के बाद बोला ओके फाइन, आई एम गोइंग टू कट माई सेल्फ, व्हेन आई एम गोइंग टू कट माई सेल्फ एंड किल माई सेल्फ, यू कैन चूज अ न्यू लीडर, वो ऐसा लीडर लाएगा जो कि आपकी मर्जी की बातें करके फिर आपकी मर्जी के हिसाब से जंग लड़ ले। नाउ यू हैव गिवन मी द टास्क टू डिफीट सच अ ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ मुस्लिम्स, एंड इफ यू वुड लाइक टू इफ यू वांट मी टू फुलफिल द टास्क देन यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस आई एम शेयरिंग विद यू। ऑब्वियसली मालिक बिन औफ वाज़ अ सेलिब्रिटी, वाज़ अ चीफ, और मालिक उनकी उम्मीद थी कि मुसलमानों के सामने उनको जीत दिला सकता है। तो यहाँ पर मालिक बिन औफ ने अपने आप को मारने की धमकी दी तो पीपल दे अनविलिंगली ही सही लेकिन पीपल अग्रीड, एंड नाउ व्हेन द 20,000 सोल्जर्स एंड स्किल्ड आर्चर्स लेफ्ट द सिटी ऑफ टाइफ फॉर हुनैन, दे वर नॉट ओनली सोल्जर्स इन दैट, दे आल्सो हैड वुमेन, देयर चिल्ड्रन, देयर पोजेशंस एंड देयर लाइवस्टॉक विद देम। अब यहाँ पर जब ये लोग हमसे पहले हुनैन की वादी में पहुंचे, क्योंकि अब जंग हो रही है हुनैन पे, इसका नाम क्या है, सीज ऑफ हुनैन एंड टाइफ। टाइफ से ये लोग हुनैन आ गए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का कैप्चर करके मदीना वापस नहीं गए थे, तो प्रॉफिट पीजन जो है वो मक्का से हुनैन आ जाएंगे। तो व्हेन दे रीच इन अ प्लेस कॉल्ड हुनैन, इन्होंने हुनैन पे हमसे पहले पहुंचने की वजह से एक बेनिफिट उठा लिया, वो बेनिफिट आपको समझना है। तो अगर मैं बात करूं आपसे जी वैली ऑफ हुनैन की, तो सर वैली ऑफ हुनैन का सीन ये है कि क्योंकि ये लोग हमसे पहले वहां पर पहुंचे थे
इसलिए इन्होंने वादी हुनैन में एक एडवांटेज उठा लिया, और वो एडवांटेज ये था कि वादी हुनैन में देर वॉज अ नैरो पास, एक नैरो पास है, ठीक है, समझो ये जो हुनैन की वादी है यहां पर ताइफ के लोग हैं, यहां पर ताइफ के लोग हैं और ये नैरो पास है, इस नैरो पास के इर्द गिर्द जो है वो छोटी छोटी जो है वो पहाड़ी है, तो यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ मौजूद हैं और उन पहाड़ यानी जिनको आप रॉक्स बोल सकते हैं, तो ये एक नैरो पास है, ओवर अ नैरो पास इन द वैली देयर वर स्मॉल रॉक्स इन बोथ साइड्स, सो बिकॉज़ दे रीच बिफोर अस, उन्होंने उस जगह पे अपने वॉर टेक्निक्स यूज करने थे, तो देयर आर्चर्स डिड व्हाट, देयर आर्चर्स हिड बिहाइंड दीज रॉक्स ओवर इन द वैली ओवर द नैरो पास, तो जो पास है इसके इर्द गिर्द जितनी भी हमारे पास रॉक्स या छोटी छोटी पहाड़ियां थी इसके पीछे इनके आर्चर्स छुप गए, और जिनको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनके आर्चर्स जो है वो स्किल्ड है, यानी कि हमारे लिए दर्द सर है, तो अगर हम लोग इस नैरो पास से गुजरने लगेंगे, जब भी हम यहाँ से गुजरेंगे तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू गिव अस अ सरप्राइज अटैक, अगर सरप्राइज अटैक हुआ तो मामला ये कि तीर जब भी आएंगे तकलीफ तो देंगे, लेकिन अगर जगह तंग हो तो भागने की जगह नहीं होगी, तो या तो तीर पड़ेंगे या फिर आप एक ही जगह पे जो रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाएंगे, so they were ready, they were waiting for us in a place called Hunain to avenge the loss of their religion and their idol Lat, and Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jab inke bare mein khabar hui to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brought an army of 12,000, so khuram Prophet 12,000 ki army kaise lekar aaye, conquest of Makkah ke liye Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke paas to 10,000 ki army thi, ji ha, Prophet 10,000 ki army se jo Makkah capture ke liye aaye the wohi 10,000 log hain, lekin isme jo 2,000 log hain ye hain new converts, kyunki Prophet ne jab Makkah capture kiya to pura ka pura Quraysh taqriban musalman hua, तो जो मुसलमान हुए वो उसी के बाद जो है फॉरन प्रॉफिट के साथ सी जो हुनैन टाइप के लिए निकले, तो 10,000 लोग तो वो हैं जो प्रॉफिट मदीना से मक्का कैप्चर करने के लिए लेकर आए थे, 2,000 न्यू कन्वर्ट्स हैं फ्रॉम द सिटी ऑफ मक्का फ्रॉम द पार्टी ऑफ कुरैश, विद द आर्मी ऑफ 12,000 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब यहाँ पर पहुंचे, तो बेटा ये सहरी का वक्त था, मतलब ब्रेकिंग ऑफ द डॉन से पहले की बात है, जब हल्का अंधेरा हल्की रोशनी होती है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि हम लोग जो है वो अगर अब यहाँ से आगे बढ़े तो हम जो है वो ये अंधेरे अंधेरे के टाइम पे ये नैरो पास क्लियर करते हैं, और नैरो पास क्लियर करके हम इस स्पॉट पर यानी वादी हुनैन पे पहुंचेंगे, तो वहां पर बातचीत जो भी ऑप्शंस वगैरह देना उसके बाद जंग का आगाज होगा। इस सूरत हाल में हल्का अंधेरा हल्की रोशनी होने की वजह से व्हाट वी कुड नॉट सी, आप बताएं जब हम हल्का अंधेरा हल्की रोशनी में यहाँ से गुजरने वाले थे तो हम क्या चीज या किन को नहीं देख सके, कुड यू प्लीज टेल मी, हम किन को नहीं देख सके, द स्किल्ड आर्चर्स हु वर हाइडिंग बिहाइंड द रॉक्स इन द वैली ओवर द नैरो पास, तो इनके आर्चर्स जो पत्थर और तीर लेके बैठे हैं हम उनको देख नहीं सके, तो बेटा यही हुआ, अब हुआ ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एडवांसिंग, प्रॉफिट वाज माउंटिंग द म्यूल, प्रॉफिट वाज लीडिंग हिज ट्रूप्स, एंड व्हेन वी वर क्रॉसिंग दिस नैरो पास भी हम क्रॉस कर रहे थे कि वी रिसीव व्हाट, वी रिसीव शावर ऑफ एरोज एंड स्टोन्स, इतने सारे तीर और पत्थर हम पर चले बेटा, कि यहाँ तीर और पत्थर चलने की वजह से सहाबा की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो क्या था, देयर वाज अ कंप्लीट क्योस, मैं इसको क्योस इसी कह रहा हूँ बिकॉज There were a lot of sahabas who began to retreat. अब यहाँ पर जैसे ही इतने सारे तीर आए तो सहाबा में घबराहट हुई और बहुत सारे सहाबा वहां से भागना शुरू हुए, तो देखिएगा सीन ये कि कुछ सहाबा जो आगे प्रॉफिट के साथ चल रहे थे इन्होंने जो है टर्न मारी और ये वापस भागने की कर रहे हैं। अब जो ये वापस भागने की कर रहे हैं तो ये रिट्रीट करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि आगे तीर पड़ रहे हैं और ये नैरो पास है और यहाँ पर इधर उधर छुपने की जगह नहीं है और तीर अगर आते रहे तो या तो जख्मी या फिर इंतकाल हो सकते हैं या वहीं रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। अब ये लोग जो वापस आना चाह रहे हैं ये रिट्रीट करना चाह रहे हैं प्रॉफिट को छोड़ के भाग रहे हैं, वही बैद गज़वा उहद वाला सीन आ गया कि मुसलमान जो है वो हजरत मोहम्मद को पीठ दिखा के भाग रहे हैं। अब ये वाली पार्टी कह रही है हमें पीछे भागना है, ये वाली पार्टी कह रही है नहीं जी हमने तो उहद में सीखा है मर जाएंगे कट जाएंगे अल्लाह के रसूल को जो है वो छोड़ के नहीं जाएंगे, तो आधे गुत्थम गुत्था हो गए ना यहाँ पर सहाबा, तो कुछ कह रहे हैं वापस चलो वापस चलो तीर पड़ रहे, कुछ कह रहे हैं आगे बढ़ो रसूल को कैसे छोड़ सकते हैं। So there were a lot of people who were retreating, but there were a lot of sahabas who surrounded Hazrat Muhammad Pizam because you know samajh gaya tha ki humne mar jana hai kat jana hai Allah ke rasool ko nahi chhodna, to samajho chaos hai, to kuch kehne piche hato kuch kehne aage jao, to aage piche hatne ke chakkar mein jagah kam hai, to hua ye ki jab bahut sare sahaba prophet ko chhod ke bhage to jo piche sahaba the jo aage jana cha rahe unko bhi jo hai wo turn away yani ki wapas hona pada, so a lot of sahabas they left Hazrat Muhammad peace upon him, they deserted Prophet peace on him in this battlefield from this narrow pass except of a few sahabas who surrounded Hazrat Muhammad peace on him, Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, Talha, Zubair, Abu Ubaid, Abdul Rahman, Sa'd bin Waqas, Sa'id bin Zaid, Abu Sufyan and Abbas bin Abdul Muttalib, Rizwanullah Ajma'in, तो यहाँ पर बहुत सारे सहाबा ने प्रॉफिट को सराउंड किया, बट प्रॉफिट वॉज मोहम्मद वॉज अ मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, प्रॉफिट वॉज नॉट स्टॉपिंग, Hazrat Muhammad was mounting the mule and Prophet kept on advancing towards the enemy, towards the valley of Hunain. And Prophet was saying these words. Prophet said to his sahabas, "Come on, people, follow me. I am indeed the messenger of Allah, and I am the son of Abdullah."
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इस तरह से एक और अल्फाज से बुलाया जिसमें आपने अपने दादा का जिक्र किया, Oh, come on, people, follow me. I'm indeed the Rasul of Allah and I'm the grandson of Abdul Muttalib. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mule mein aage ja rahe hain. Prophet Muhammad apne sahaba ko deeg group hone ko bol rahe hain ki bhagna nahi hai, muttahid hokar ladai karni, jahan musliman disunite hua musliman jo hai zillat se haarta hai. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke multiple occasions mein sahaba ko bulane ke bawajood sahaba they were deserting Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam except of a few. अब प्रॉफिट का म्यूल अगर आगे बढ़ता रहेगा, अल्लाह ना करे खुदा ना खासा एक आध तीर इस कीमती तरीन जान को पड़ गया तो मुसलमान यानी सहाबा अपने आप को क़यामत तक क्या मुंह दिखाएंगे। सो हजरत मोहम्मद म्यूल वाज कंटिन्यूअसली एडवांसिंग इन ऑर्डर टू स्टॉप प्रॉफिट्स म्यूल टू पीपल प्रिपेयर्ड देयर पार्ट नंबर वन प्रॉफिट्स अंकल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब एंड नंबर टू अबू सुफियान हु रिसेंटली एक्सेप्टेड इस्लाम इन आफ्टर अ नाइट बिफोर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। अबू सुफियान ग्रैब्ड प्रॉफिट्स म्यूल बाय द पैडल, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ग्रैब्ड द रेन ऑफ द म्यूल। तो वो जो रेन होती है जिसको आप लगाम बोलते हैं जिससे जो है जानवर जो है कंट्रोल हो जाता है, तो हजरत अब्बास ने लगाम पकड़ी, हजरत अबू सुफियान ने पैडल पकड़े एंड अबू सुफियान वाज स्टॉपिंग द म्यूल जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ा था, हील्स अबू सुफियान वाज स्क्रीचिंग ऑन द ग्राउंड बट इवेंचुअली अबू सुफियान एंड अब्बास ने मतलब विद अ कंबाइंड एफर्ट दे वर सक्सेसफुल स्टॉपिंग द म्यूल ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Prophet then dismounted from the mule. When dismounting from the mule, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam prayed to Allah, Oh Allah, send your help. ये तो वही disunity है, ये तो वही माहौल है जो ग़ज़वा उहद का था। ऐसा ना हो कि जंग शुरू होने से पहले ही हम लोग हार जाएं। Prophet ने अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह तो दुनिया के कायनात की वो वाहिद ज़ात है जो इंसान का दिल फेर सकती है। So Prophet ने अल्लाह से मदद और दुआ करने की दुआ और मदद मांगने के बाद अपने चाचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि अब्बास प्लीज कॉल द बिलीवर्स टू रीग्रुप एंड टू कम बैक। अब्बास को प्रॉफिट ने ही जो है अब पुकारना या फरियाद या इस प्रोक्लेमेशन या डिक्लेरेशन के लिए क्यों बोला, क्योंकि अब्बास वाज हैविंग अ लाउडर वॉल्यूम, अब्बास की जो वॉल्यूम थी वो ज्यादा थी, या अब्बास जब बात करेंगे तो उनका जो वॉइस का थ्रो है वो दूर तक जाएगा और ज्यादातर सहाबा उसको सुन के उम्मीद है कि वापस लौट आए। सो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ हजरत मोहम्मद पीस अब्बास ने अब सहाबा को वापस बुलाया तो सहाबा जैसे वापस लौटे वो एक अजीब सी कैफियत थी। तो यहाँ पर हिस्टोरियंस देखते हैं, रहीकुल मखदूम एक बहुत अमेजिंग किताब है, आप मेरे मुंह से उसका नाम बार बार सुनते रहते हैं, कभी समझ ब्रेक या कभी कुछ वेकेशन मिल जाएगी कि सिलेबस के बाद ही पढ़ सकते हैं, अभी तो बहुत डिटेल बुक है। तो उसमें बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा है कि व्हेन दे हर्ड द कॉल ऑफ हजरत अब्बास बिन मुत्तलिब टू कम बैक एंड टू फाइट फॉर हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम द सहाबास रिटर्न टू हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम एज ए वाइल्ड काउज रिटर्न टू देयर काव्स, जैसे गायें लपकती अपने बछड़े अपने बच्चे को बचाने के लिए वाइल्ड काउस, वैसे ही सहाबा वापस लौटे हजरत मोहम्मद को बचाने के लिए। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज लगाई, वेयर आर दी आर्चर्स, ये सारे के सारे जो दौड़ रहे थे वापस भाग रहे थे, इन सब के दिलों को अल्लाह पाक ने फेरा और जब अल्लाह ने इनके दिलों को फेरा तो जैसे ही पुकार आती है वेयर आर दी आर्चर्स, तो यहाँ पर हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की पुकार सुन के यूं तक करके सारे वापस हुए। एंड देन दे रिटर्न बैक, दे सेड दैट हियर वी आर अब्बास एट योर सर्विस, हियर वी आर। तो ये सीन बड़ा अजीब सा है कि यूं बहुत सारे लोग भाग रहे थे और प्रॉफिट पुकार रहे हैं, वो लौट नहीं रहे, क्योटिक सिचुएशन है, जान का खतरा है कि आगे मामला जो है बड़े अजीब हो गए, लेकिन जैसे ही अब्बास ने आवाज दी, अब ऐसा क्या हुआ, रसूल ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने सहाबा के दिल फेरे, उनको रिकॉल करवाया, याद रखना तुम वही हरकत कर रहे हो तुमने ग़ज़वा उहद में की थी, तुम रसूल को पीठ दिखा के गए थे और बाद में तुम कई जमाने तक रोते रहे कि हमने हुजूर को धोखा दिया, अब दोबारा वो गलती ना करो वरना सिवाय शर्मिंदगी कुछ तुम्हारा मुकाम नहीं होगा। तो सहाबा जो भाग रहे हैं उनको जब पुकार रहे तो ऐसे करके मुड़े, ऐसे लग रहा है जैसे कोई ना इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, किसी ने बटन दबाया टक करके सहाबा घूम गए। एनीवेज व्हेन दीस सहाबास दे केम एज अ वाइल्ड काउज रिटर्न टू देयर काव्स, दे केम एंड दे रीग्रुप्ड अराउंड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमने जाके जो है वो आर्चर्स की मदद के बाद फिर हुनैन पे जब कैंपिंग की तो वहां पर जो है वॉर ब्रोक आउट, क्योंकि लड़ाई के लिए तो उन्होंने बातचीत का मौका नहीं दिया, उन्होंने पहले ही हम पे हमला कर दिया। So when the war broke out, इस जंग में Muslims were amazing, क्योंकि आपको तो मैंने खबर में बताया था open wars में मुसलमानों का कोई भी सानी नहीं है, लेकिन could you please 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 tell me, ताकि मुझे इस बात की श्योरिटी हो कि आपको याद हो गया, could you please tell me, in this fierce war when for many hours Muslims were fighting courageously and the people of Taif were fighting nicely as well, लेकिन ताइफ के लोग मैदाने जंग छोड़ के नहीं जा रहे, ना वो मर रहे हैं लेकिन वो मैदान की जंग छोड़ के नहीं जा रहे, ना वो हार रहे हैं, इसकी वजह क्या है, व्हाई द पीपल ऑफ ताइफ वर नॉट लीविंग द बैटलफील्ड, व्हाई द पीपल ऑफ ताइफ वर नॉट लीविंग द बैटलफील्ड। ये जो आप बात करो ना ये मुझे आपको याद करानी है, क्योंकि मैं आपको पर्शियन वॉर्स में भी ये बात याद कराऊंगा, दे वर नॉट लीविंग द बैटलफील्ड बिकॉज दे वर फाइटिंग विद एन एटीट्यूड कॉल्ड डू और डाई स्टेट।
they were not leaving the battlefield because they were fighting with an attitude of do and die state. Or do or die state se ladne ki wajah kya thi? Because they brought their families and their wealth along with their soldiers. So agar wo bhag bhi gaye to unki families aur unka wealth ka itna nuksan hoga to wo jee ki kya karenge? So is fierce war ka koi result nahi nikal raha tha. The war was going inconclusive. So eventually Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam did what? Prophet peace be upon him did the same mozza jo aapne kai occasions pe pehle kiya. Nabi ne sam picked a handful of the dust from the ground and when Prophet peace be upon him threw that dust in the air towards the faces of the enemy, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, may your faces be shameful. The moment Prophet threw that dust in the air, again a miracle happened jo ki ghazwa-e badr mein bhi aapne suna tha. A sandstorm, a violent sandstorm broke out against the eyes of the enemies. अब ये दो लाइनें तुम्हें याद करके लाजमी लिखनी होती हैं. उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ना अगर तुम ये लाइनें दो या दो फ्रेजेस लिखोगे तो तुम कुरैश ताइफ को वहां पर जंग नहीं हरवा सकते. तो आपने बोला प्रॉफिट पीस अपॉन हिम थ्रू डस्ट इन द एयर टुवर्ड्स द आईज ऑफ द एनिमीज बाय सेइंग दैट मे योर फेसेस बी शेमफुल. ये हर बच्चा अपने आंसर में लिख लेता है क्योंकि उसको आदत होती है गज़वा बदर से ही बात लिखने की. पर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आप लिखोगे, मुझे टाइप करके आपने भेजना है, अ सैंड स्टॉर्म ब्रोक आउट. लिखो, मुझे लिख के भेजो, अ सैंड स्टॉर्म ब्रोक आउट. A sandstorm broke out. ठीक है, अगर खाली ये छोटी सी दो लाइनें भी लिखोगे ना तो उनको हराने के लिए दो लाइनें काफी हैं. प्रॉफिट ने जब मिट्टी फेंकी तो क्या हुआ? A sandstorm broke out. Sandstorm broke out हुआ तो उससे क्या हुआ? अभी अगली लाइन तुमने याद करनी है. Their eyes were thick with the dust. Their eyes were thick with the dust. ये लिख के भेजो मुझे. A sandstorm broke out के बाद क्या हुआ? Their eyes were thick with the dust. तो इतनी बात समझ में आ रही होगी ना, अंग्रेजी के ये दो फ्रेज आपने लिखने, क्योंकि इससे वो लोग जंग हार जाएंगे. तो देयर आईज वर थिक विद द डस्ट का मतलब ये कि इतना शिद्दत का तूफान था. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अरबियन एरियाज जो है डेजर्ट एरियाज है, वहां तूफान और सैंड स्टॉर्म की हम बात करें तो इतनी रेत उड़ी कि देयर आईज वर थिक विद द डस्ट के उनको नजर नहीं आ रहा, और जो देखने की कोशिश कर भी रहे तो उनकी आंखों में मिट्टी भर गई. सो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें देख नहीं पा रहे और सैंड स्टॉर्म उनके अगेंस्ट उसका फायदा उठा रहे, उनको इजिली मार पा रहे. तो आपने यूं बताना है, Prophet picked a handful of the dust from the ground, but he threw that dust in the air towards their faces. Nabi al-Islam said, may your faces be shameful after this a miracle occurred by the will of Allah, that a sandstorm, a violent sandstorm broke out against the party of Taif, and after which their eyes were thick with the dust and they were not able to see properly. Taking advantage of that situation, Muslims killed 70 men of Taif. And meanwhile, Malik bin Auf and his other archers and soldiers and fighters, they fled from the battlefield in confusion because they could not understand कि हमें इस तूफान का मुकाबला कैसे करें, या खड़े रहते तो मर जाते तो ये भाग गए. So Malik bin Auf and his archers and the other soldiers, they had gone to the city of Taif. लेकिन मुसलमानों को इस जगह पर हुनैन की वादी पे इस मौजे के बाद मिली एक victory, and because of that victory, Muslims got what? Number one, Muslims got victory at Hunain. और विक्ट्री एट हुनैन के साथ साथ हमें क्या मिला? वी गॉट 6,000 कैप्टिव्स. इनको हम लोग बोलते हैं कैप्टिव्स में देयर विमेन एंड चिल्ड्रन, तो ये क्या थी? उनकी फैमिलीज थी. वी ऑल्सो गॉट 24,000 कैमल्स एंड 40,000 प्लस शीप, 64,000 जानवर. सखुरम ये क्या होगा? ये उनका लाइफ स्टॉक था. सो वी ऑल्सो गॉट 4,000 ounces ऑफ सिल्वर. सखुरम ये क्या था बेटा? ये उनकी वेल्थ थी. So Muslims not only gained victory in a place called Hunain, but Muslims also got a lot of rich spoils of war. Or rich spoils of war ko hum log bolte hain maale ghanimat. To ye jo bhi tha isko hum bolenge maale ghanimat. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Hunain par to victory mil gayi, par Hunain mein victory milne ke baad Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jo hain, अब प्रॉफिट पीस अपॉन हिम जो है उनको पता है कि एक मालिक बिन औफ और बाकी जो सोल्जर्स थे वो लोग जो है ताइफ भागे हैं. अब मैं आपको जो है वो ताइफ के बारे में कुछ गुफ्तगू बता रहा हूँ, लेकिन देखो एक बात समझना, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैंने अभी आपसे जो गुफ्तगू की मुझे 20-22 मिनट लग गए यहाँ तक पहुंचने में. आपको तो ये पूरी स्टोरी ताइफ और हुनैन की 10 मिनट के अंदर लिखनी होती है, तो ऑब्वियसली यू विल बी राइटिंग अ कंसाइज वर्जन जिसमें आप स्ट्रेस करेंगे उन्हीं पॉइंट्स पे जो मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगा या लिखवाऊंगा. जब भी सीज ऑफ हुनैन और ताइफ का क्वेश्चन आता है उसका तबुक भी आता है. तबुक भी आया तुम आज ही पढ़ोगे इंशाल्लाह अज़ीम, और तबुक में तुम देखोगे तबुक का आंसर बहुत लंबा है. तो हुनैन ताइफ और तबुक का आंसर लिखते हुए इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई बच्चा हुनैन और तबुक लिख दे तो आंसर टाइम पे खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर कोई बच्चा हुनैन के साथ ताइफ लिख दे कंसाइजली और तबुक लिख दे तो भी आंसर टाइम पे खत्म होगा. लेकिन अगर कोई बच्चा हुनैन की स्टोरी भी पूरी लिखे ताइफ की स्टोरी पूरी लिखे ये 15 मिनट खा जाएगा, क्योंकि ताइफ की स्टोरी लंबी है
और ऐसी सूरत हाल में फिर वो स्टूडेंट जो है वो तबूक का आंसर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो बेटा मैं आपको पास पेपर के हिसाब से टेक्निक समझा रहा हूँ, मेरा काम बीइंग अ टीचर ये कि मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊं। हो सकता है बोलते राइट एन अकाउंट ऑफ सीज ऑफ हुनैन एंड ताइफ, सिर्फ सीज ऑफ हुनैन ताइफ ले गया 10 मार्क्स की, फिर तो हुनैन के बाद ताइफ की पूरी तफसीलात हम लोग बता देंगे। लेकिन क्योंकि अभी तक 3 बार ऐसा हुआ कि हुनैन ताइफ के साथ उसने या तो खैबर या मुता या तबूक एक्सपेडिशन का सवाल दिया है, तो मैंने आपको हुनैन की पूरी तफसील लिखनी थी। यहाँ तक ताइफ आप सुनेंगे मुझसे पूरी, रिकॉर्डिंग में आपके पास आ जाएगी, लेकिन ताइफ आप लिखोगे कंसाइज वरना टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले एक ग्रुप भेजा टुवर्ड्स ताइफ कि आप लोग आगे बढ़िए, रास्तों में चीजें देखिए। और वो ताइफ की तरफ जो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने जो है वो ग्रुप को भेजा, वे प्रॉफिट अपने सारे सहाबा को लेकर ताइफ पहुंचे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की सिटी को बिसीज किया। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि ताइफ जो है स्ट्रॉन्गली फोर्टिफाइड एरिया है, फूड और वाटर सप्लाई की वहां पर कमी नहीं है, स्ट्रॉन्गली डिफेंडेड एरिया है, उनके फोर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और वहां पर जो है विन यार्ड्स यानी कि हमारे पास जो है वो उनके पास अंगूर के बागात हैं, फ्रूट प्रोडक्शन भी होता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंच रहे हैं उससे पहले ही मालिक बिन औफ एंड हिज सोल्जर्स अलोंग विद देयर दर्देसर आर्चर्स दे टुक शेल्टर इन अ कैसल। तो ब्रिटिश एक्सेंट में तो कैसल बोलते हैं, अमेरिकन को कैसल बोलते हैं, दे टुक शेल्टर, कैसल दे दिया मैंने, दे टुक शेल्टर इनसाइड अ कैसल। मैं कैसल स्टोरी सुना रहा हूं, खबरदार अगर आपने लिखी अनलेस के टाइप का हुनैन टाइप 10 मार्क्स का है, क्योंकि बतानी इसलिए जरूरी है कि अगर दोबारा क्वेश्चन आ जाए तो आप कहेंगे हाँ सर खुर्रम आपने तो बताया नहीं था और हम तो बिल्कुल ही मामू बन के आ गए। सो मालिक बिन औफ एंड हिज पीपल दे टुक शेल्टर इनसाइड अ कैसल, और कैसल वो हायर स्लोप पे था तो वो एडवांटेज में थे। अब हमें उस कैसल यानी फोर्ट, कैसल को फोर्ट मान ले, हमने उस फोर्ट को कैप्चर करना है और मालिक बिन औफ और उसके तमाम साथियों को गिरफ्तार या उनको धारा है। हजरत मोहम्मद साहब अपने सहाबा को जब यहाँ पर लेकर पहुंचे तो यहाँ पर उनके पास एडवांटेज था, फूड और वाटर सप्लाई की कमी नहीं है, वो लोग कई महीनों तक अंदर बैठ सकते हैं, उनको बाहर निकालने की मजबूरी क्या हो सकती है, वो मजबूरी आपको मैं भी दिखाता हूँ प्रॉफिट क्या टैक्टिक यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, वो ये कि कुछ लोग कहते हैं कि दिस सीज लास्टेड फॉर 10 डेज ओनली, कुछ कहते हैं जी नहीं द सीज लास्टेड फॉर 20 डेज, और अकॉर्डिंग टू फ्यू ये सारी बातें ऑथेंटिक बुक्स में, और अकॉर्डिंग टू फ्यू बुक्स द सीज लास्टेड फॉर 40 डेज। तो मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपको जो है वो एक एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी तो आप लिखेंगे द सीज लास्टेड बिटवीन 10 to 40 डेज, द सीज लास्टेड बिटवीन 10 to 40 डेज, आप सीज के ये डेज बताएंगे। हमने सीज कर लिया एंड नाउ व्हेन वी वर एडवांसिंग टुवर्ड्स द कैसल और अ कैसल, व्हेन वी वर मूविंग टुवर्ड्स द कैसल वी रिसीव शावर ऑफ एरोज एंड स्टोन्स। हिस्टोरियंस ने इसके लिए एक फ्रेज यूज किया, जब हम आगे बढ़ते थे तो इतने सारे तीर आते थे हमारे ऊपर that these arrows they look like the army of locusts over the horizon। वो जो नहीं इंसेक्ट्स की बहुत बड़ी तादाद एक साथ ट्रेवल या माइग्रेट करती है तो पूरा आसमान में अंधेरा दिखता है। सो दे लुक लाइक द आर्मी ऑफ यर थाउजेंड्स ऑफ लोकस ओवर द होराइजन, आसमान पे टिड्डों की फोर्स, टिड्डा बोलते हैं लोकस को, और उनकी फोर्स जो है वो यूं जाती हुई नजर आ रही है, मतलब इतने सारे कीड़े मकोड़े जो चलते हैं। तो इतने सारे तीर आते थे कि वी हैड टू स्टे बैक, और आपको अजीब सी बात समझ सुनने को मिलेगी यहाँ पर कि हम आगे बढ़ रहे हैं तीर चल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं तीर चल रहे हैं, और जब आगे बढ़ के हमें तीर पड़ रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकला, 12 मुस्लिम्स अर्नड मार्टरडॉम एंड मैनी वर सिवियरली वाउंडेड। आप अगर गौर करो तो 200,000 की आर्मी के साथ जब आप लड़ रहे थे बैटल ऑफ मुता में और वहां पर 200,000 की आर्मी में आपके 12 शहीद हुए थे, यहां पर आप सिर्फ कैसल की तरफ बढ़ रहे हैं तो तीर के साथ ही आपके कई शहीद और वाउंडेड हो गए, मतलब बैटल ऑफ मुता जैसा डेथ टोल इन्होंने आपको ताइफ के अंदर से तीर मार मार के दिए। इसलिए मैं आर्चर्स को आर्चर्स नहीं बोलता, मैं इनको दर्देसर बोलता हूँ, दे वर वेरी स्किल्ड आर्चर्स। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही देखा कि ये मामला काम नहीं कर रहा तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बोला कि गेट आउट ऑफ द रेंज, इनकी रेंज से बाहर निकलो। अब अगर हम इनकी रेंज से बाहर निकलेंगे मतलब हम थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे तो पीछे होने में प्रॉब्लम ये होगा कि फिर हमारी रेंज भी आउट होगी, हम भी वहां से इनको एरोस नहीं मार पाएंगे। तो प्रॉफिट ने रेंज से आउट होने के लिए क्या बोला कि गो टू द हायर स्लोप, अगर हम हायर स्लोप पे चले जाएंगे तो उनकी एरो की रेंज कम होगी, उनके एरो हायर स्लोप पे नहीं आ पाएंगे, उसकी रेंज कम होती है, फिजिक्स का अंदाजा है आपको, और अगर हम ऊपर से तीर मारेंगे तो हमारे एरोज वहां तक पहुंचेंगे। तो प्रॉफिट ने बोला गो गेट आउट ऑफ द रेंज एंड टू गेट आउट ऑफ द रेंज गो टू द हायर स्लोप, हम हायर स्लोप पे चले गए बेटे। हायर स्लोप की बात प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने बोला इनकी दीवारें तोड़नी है, बोलो कैसे तोड़ेंगे दीवारें, व्हाट शुड बी यूज्ड टू ब्रेक देयर वॉल्स, बताओ ना खैबर में यूज हुआ था, व्हाट शुड बी यूज्ड टू ब्रेक देयर वॉल्स, बॉम्ब्स, बातें सुन ले वो बॉम्ब बना के बैठा हुआ है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ऑर्डर टू यूज कैटापल्ट्स, यूजिंग कैटापल्ट्स वी ब्रोक वन ऑफ द पोर्शंस ऑफ द वॉल्स, और उन्होंने उनके जो है वो कैसल का एक पोर्शन तोड़ दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबा के ग्रुप को भेजा, सहाबा का ग्रुप जो है दे वेंट इनसाइड द कैसल अंडर अ वुडन कार। तो वुडन कार का मतलब ये कि उन्होंने जो है वो वुड की बहुत बड़ी सी शील्ड लगाई
और वुडन कार जो है उसके साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उसके अंडर, ताकि तीर अगर आए तो उससे बच जाए. अंडर अ वुडन कार अ ग्रुप ऑफ सहाबास हैड गॉन इनसाइड देयर कैसल. अब हम जैसे ही अंदर गए तो इन लोगों ने हमारे इस ग्रुप को जो कि वुडन कार के अंदर था, इन्होंने उसको कैसे रोका. दे थ्रू हॉट मॉल्टन आयरन ऑन अस. तो पिघला हुआ जो आयरन है इन्होंने हमारे ऊपर फेंका, तो वुडन कार थी उस पे जो है वो आग लगी, सहाबा को उस शील्ड से बाहर निकलना पड़ा. एंड वी रिसीव सो मेनी एरोस टुगेदर दैट मुस्लिम्स एंड सहाबास हैड टू कम आउटसाइड द कैसल. तो यहां पर भी दे वर सो गुड, हम उनके फोर्ट्स में घुस गए, लेकिन हॉट मॉल्टन आयरन और गर्म चीजें और सीसा हम पे फेंक के उन्होंने हमें वहां से भगा दिया. अब सिचुएशन वही है कि हम सीज में जब भी हम आगे बढ़े, वी रिसीव शावर ऑफ एरोज एंड स्टोन्स, और बार बार सहाबा आगे जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं, वी हैड टू रिट्रीट विथड्रॉ रिट्रीट विथड्रॉ. तो तकरीबन 20 या 40 दिन के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, If Allah wills, we will go back tomorrow. We will, if Allah wills, we will abandon the siege and we'll start moving tomorrow. अब हमने क्योंकि इनको हुनैन में हरा दिया है, और हुनैन में हराने के बाद जो है हमने इनकी फैमिलीज और इनकी पोजेशन भी अपने काबू में ले ली है. अब हमने ताइफ को तो इन्वेड नहीं करना है, और हम यहाँ पर जितना भी वक्त लगाए मुनासिबी कि हम मक्का से निकले, फिर हम हुनैन आए, वहां पर जंग लड़ी, अब हम ताइफ आगे 30-40 दिन जंग लड़ चुके हैं. तो दिस वॉज इनफ, क्योंकि सहाबा एग्जॉस्टेड है उस जमाने से मदीना से निकले. हजरत मोहम्मद ने बोला कि if Allah wills, we will go back tomorrow and we'll start moving in the morning. जैसे हुजूर ने वापस जाने की बात की और सीज अबेंडन करने की बात की, सहाबा कह रहे हैं या रसूलल्लाह आप क्या कह रहे हैं, हाउ कैन वी गो बैक, वी हैवंट कैप्चर्ड मालिक बिन औफ, वी हैवंट कैप्चर्ड देयर पीपल. अच्छा, इससे पहले एक मामला और हुआ था जो मैं आपके लिए समझा देता हूँ. प्रॉफिट मोहम्मद ने जब जो है वो वुडन कार के थ्रू सहाबा को भेज के भी इनका एरिया नहीं कैप्चर कर सके, तो प्रॉफिट ने जो है सहाबा को हुक्म दिया था बर्न देयर विनयार्ड्स. हम ट्रीज को नहीं काटते हैं, ना ही हम जो है फसलों को आग लगाते हैं, लेकिन एक थ्रेट था प्रॉपर्टी से बर्न देयर विनयार्ड्स, इनकी जो अंगूर के जो बागात है उनको जला दो. तो अंदर से पैगाम आया मालिक बिन औफ के सोल्जर्स का, प्लीज हैव मर्सी ऑन अस या रसूलुल्लाह, हमारी फैमिलीज, हमारी लाइफ स्टॉक, हमारी पोजेशंस आपके पास है, ये हमारा साल भर का जो अनाज है आप इसको ना आग लगाए. तो प्रॉपर्ट बोला ठीक है, इफ यू सरेंडर इमीजिएटली, इफ यू कम डाउन फ्रॉम द कैसल, आई गारंटी यू दैट आई एम गोइंग टू गिव यू पार्डन. तो प्रॉफिट पीरन के ऑफर देने के बावजूद भी 23 लोग बाहर आए थे, फिर भी मालिक बिन औफ और मेजोरिटी के सोल्जर्स अभी भी बाहर नहीं आए. तो हम कई दिन तक कोशिश करते रहे, उनकी वजह से 23 लोगों का सरेंडर मिला और हम अंदर जाने में नाकाम थे. तो प्रॉफिट ने जब ये बात बोली कि हम वापस जाएंगे, सहाबा कह रहे हैं वी हैवंट कैप्चर्ड मालिक बिन औफ, वी हैवंट इन्वेडेड द कैसल, और हमने उनके आर्चर्स को नहीं अभी तक गिरफ्तार किया या मारा, तो असल हम कैसे जा सकते हैं. प्रॉफिट बोला वी आर अनएबल टू गेट इनसाइड, आप ये मामला देख तो रहे हैं, तो वी शैल गो बैक. सहाबा कह रहे हैं नो या रसूलल्लाह, वी आर गोइंग टू कैप्चर द कैसल. हजरत मोहम्मद ने कहा ठीक है आप कोशिश कर लीजिए. अगली सुबह सहाबा पूरे एंथुसियाज्म के साथ, पूरी ताकत के साथ कि आज तो ये कैसल कैप्चर हो गई होगा, सहाबा की जो जमात है दे मूव टुवर्ड्स द कैसल, एंड दे मूव टुवर्ड्स द कैसल दे रिसीव व्हाट, दे रिसीव सो मेनी शावर ऑफ एरोज एंड स्टोन्स टुगेदर दैट सहाबास हैड टू रीच इट अगेन, दे केम बैक. अगर सहाबा वापस आए तो दे रियलाइज कि नबी अलैहिस्सलाम सही कह रहे थे कि यहाँ सीज जितनी भी चलती रहेगी वो लोग बेनिफिशियल साइड पर है. सहाबा ने अपना सामान उठाया एंड दे सेड टू प्रॉफिट या रसूलल्लाह चलिए. हजरत मोहम्मद मुस्कुराए, सहाबा और प्रॉफिट ने बोला मैंने आपसे कल कहा था और आज आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू में जो मैंने आपसे शेयर किया. तो प्रॉफिट ने सहाबा की हालत देखी, फिर बोला कि वी विल गो बैक एंड विल स्टार्ट मूविंग टुमारो. सो हम प्रॉफिट पीस ऑन ने तकरीबन 20 या 40 दिन के बाद सीज अबैंडन की, और सीज अबैंडन करके हजरत मोहम्मद केम बैक टू द सिटी ऑफ मदीना अलॉन्ग विद हिज सहाबास. अब हम मदीना आ गए, तो मदीना आने के बाद जो प्रॉफिट के पास जो है वो फैमिली जो चिल्ड्रन थे जो कि स्लेव थे, अब प्रॉफिट मोहम्मद ने उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. कुछ एक आध स्लेव, एक दो स्लेव प्रॉफिट की जो है वो हिस्से में आ गए, बाकी सारे के सारे सहाबा में बट गए. ताइफ के लोगों की हालत खराब है कि अंगूर के बागात तो हैं, कैसल तो है, ताइफ तो है, पर पूरा शहर ही खाली है, और मर्द ही मर्द कैसे रह सकते हैं, उनकी वेल्थ भी नहीं है, पोजेशन और लाइफ स्टॉक भी नहीं है, उनकी फैमिलीज भी नहीं है. सो द पीपल ऑफ ताइफ आफ्टर अ व्हाइल दे रिविजिटेड द सिटी ऑफ मदीना, एंड विजिटिंग द सिटी ऑफ मदीना दे हम्बली रिक्वेस्ट हजरत मोहम्मद पीस अपॉन या रसूलल्लाह, वी आर हियर फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर फैमिलीज and we are here for the return of our possessions. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bola kyunki halat e jang mein humne inse dono cheeze li hain, to prophet ne bola pick or choose any one of these, aapko dono mein se koi ek cheez wapas mil sakti hai, ek shay mil sakti hai, to aapki families ya possessions, kya chuna hoga inhone, what was their selection, did they choose possession or families? Obviously daulat to aap kama sakte hain lekin aap family se nahi kama sakte, so obviously kuch likhe possessions. हालत देख लो, मतलब वो अपनी दौलत को उनके पहले भी थी. So when they picked the family, when they chose the freedom of their families, Hazrat Muhammad could only release those captives who were in the custody of Prophet. बाकी सारे तो सहाबा की मिल्कियत हो चुकी थी, उनकी ओनरशिप में आ गए थे.
So Hazrat Muhammad did what? Prophet released those captives of the time who were in the custody of Hazrat Muhammad. Lekin then Prophet instructed the same general to the Sahaba to be generous similarly to the people of Taif, though they were our enemies. So Hazrat Muhammad, when the captives released, Sahabas followed the footsteps of Hazrat Muhammad, peace be upon him. The companions did what? They were so generous and kind to the people of Taif. They released all those captives who were in the custody of Sahaba. Taif ki log, they were so touched, they were so inspired, ki yaar hum inko patthar maarte hain, ye hame welcome karte hain, hum inke saath inke upar teer maarte hain, they are kind to us, hum inse jung karte hain, they are generous to us. So touched with the generosity of Sahabas, touched with the generosity of Prophet and the kindness of Sahabas and Prophet, the people of Taif, they accepted Islam right after this particular event. So sir, baat ye samajh mein aayi कि 11 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ फरमाई थी. प्रॉफिट ने फरमाया था, Why shall I pray for their destruction? I hope Allah will beget them children who will worship none but the personality of Allah. और ठीक 11 साल के बाद जो है वो प्रॉफिट की दुआ कबूल हुई. तो समझ में क्या आई बात? अगर रसूल की दुआ भी 11 साल बाद कबूल हो रही है बेटे, तो आप कम से कम 11 महीने तो इंतजार कर लें. रसूल वो होते हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती. रसूल वो होते हैं जो मासूम होते हैं, जिन्होंने गुनाह नहीं किया होता, जिनको अल्लाह ने शिफात का हक दिया है, जो मौजजाती होते हैं, जिनके सीनों में शैतानी डंक नहीं होता. उन नबियों और रसूलों में भी मामला ऐसा है, उनकी दुआ भी 11 साल बाद कबूल हो रही है. तो आप भी कभी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मायूस मत हुआ करें, समझ जाया करें कि दुआ कबूल होती है, लेकिन दुआ कबूल होने में कभी फौरन, कभी कुछ वक्त और कभी नहीं. तो मैं आपको एक हदीस सुना दूं आपकी मोटिवेशन के लिए, ताकि आपको जो है वो कुछ जो है वो कुछ कुछ दुआ के हिसाब से मोटिवेशन मिल जाए. और वो ये कि हजरत मोहम्मद की हदीस है बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको प्रॉफिट की दुआ का बताया. दुआ तो हम आधी जिंदगी जो है वो इबादत में नमाज पढ़ेंगे और बाकी कुछ वक्त मेजोरिटी टाइम दुआ करेंगे. काबा जाओगे दुआ करोगे, तवाफ में दुआ करोगे, सफा मरवा सही में दुआ करोगे, जमजम पीते हुए दुआ करोगे, सफा हिल पे भी दुआ करोगे, मरवा हिल पे भी दुआ करोगे, बीच में चलते हुए भी दुआ करोगे, फिर आप अराफात के मैदान में जाओगे दुआएं दुआएं करोगे, फिर आप जो है वो माउंट ऑफ मर्सी जबले रहमा जाओ वहां भी दुआएं. तो दुआ ही करते हैं इंसान. तो दुआ के बारे में जब भी आप दुआ करने लगे तो ये हदीस याद रखिएगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दुआ कबूल होती है, ठीक है ना. एक दुआ जो कबूल नहीं होती वो कौन सी है? हराम चीज की दुआ. अगर कोई अल्लाह से कोई हराम शय मांगेगा दुआ में, तो अल्लाह थोड़ी दुआ कबूल करेंगे. अल्लाह तो हराम चीजों, अल्लाह ने जो चीजें हराम की है अल्लाह उसको नापसंद करते. तो कोई दुआ में मांगे कोई ऐसी बात की अल्लाह जो है वो फलाना शख्स बर्बाद हो जाए, या मतलब जो जो कि हक पे और उसकी बर्बादी मांगे, या फिर कोई शख्स ये दुआ करेगी या अल्लाह जो है मेरी चर्च की फैक्ट्री खुल जाए, तो ये तो दुआएं नहीं कबूल हो सकती ना, तो हराम दुआएं. तो हराम दुआ कबूल नहीं होती. फिर हदीस मुबारका में कुछ लोगों का जिक्र है कि जिनकी दुआ कबूल नहीं होती, सूद खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, और जो है वो शराब पीने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, ज्यादा गालियां देने वाला जो है उसके ऊपर रहमत नहीं होती, तो हो सकता है उसकी दुआ कबूल ना हो घर से तक. और इसी तरह से जो है वो शख्स माँ बाप का नाफरमान है उसकी दुआ कबूल नहीं होती. सो इन दिस पर्टिकुलर मैनर जो दुआ का मामला आएगा, वो दुआ की जो कबूलियत का मामला है, वो दुआ की कबूलियत जो है उसके लिए प्रॉफिट ने बताया कि हर दुआ कबूल होगी. किसकी दुआ कबूल नहीं होगी? मैंने कुछ आपको उसमें रिलेशन या कुछ लोग का जिक्र बताया कौन सी दुआ कबूल नहीं होगी, लेकिन उसके अलावा हर दुआ कबूल होती है. दुआ कबूल होती है, पर दुआ की कबूलियत के 3 स्टेजेस होते हैं. अभी मैं आपको स्टेजेस बताऊंगा, आप कहेंगे यार आई नीड स्टेज नंबर 1, लेकिन हदीस के जब आखिर में पोर्शन आएगा तो आप देखिएगा कि वहां पर जो है जन्नत के लोग क्या कह रहे होंगे. तो प्रॉफिट ने बताया हर दुआ कबूल होती है, और दुआ की कबूलियत के कुछ स्टेजेस होते हैं. और स्टेजेस का मतलब ये कि एक स्टेज ऐसी होती है कि कभी आपने दुआ की और फौरन कबूल हो गई. जैसे ही आपने दुआ की और फौरन कबूल हो गई, जिसमें बहुत सारे ऐसे ओकेजन इंसान के साथ भी होते हैं, कभी आप बैठे होते आप कहते हैं यार आज बिरयानी खाने का बहुत दिल कर रहा है, और पता चला आप घर पहुंचे अम्मी ने बिरयानी पकाई भी थी. वो पाकिस्तान स्टडीज के जो मशहूर टीचर है सर जुनेद अख्तर, वो जो है अल्लाह आपका भला करे, मुझे कहने लगे खुर्रम यार मैं हज पे गया हुआ था, और मैं जब हज पे गया तो वहां पर जो है मैं एक दिन जो है वो अपने कैंप मीना कैंप वापस जा रहा था, और मीना कैंप वापस जाते हुए जो है वो मैंने जो है वो किसी एक आदमी को जाते हुए देखा, वो आइसक्रीम लेते हुए जा रहा था. तो मेरे दिल में ऐसी उम्मीद और तमन्ना आई कि यार बहुत दिन हो गया आइसक्रीम नहीं खाई. बस दिल में तमन्ना है, मीना में बहुत रश होता है तो बंदा थोड़ी ना जाके शॉपिंग करके जाके आइसक्रीम खरीदने का. तो इस सूरत हाल में जो है जुनेद अख्तर कह रहे हैं कि जैसे ही मैं अपने कैंप में दाखिल हुआ, तो अपने कैंप में दाखिल होते ही मैंने ये देखा कि सामने मेरे जो कुछ हजरात बैठे हुए उन्होंने मुझसे कहा कि आइए जुनेद भाई आइसक्रीम खा लें. कह रहे हैं खुरम अभी थोड़ी देर पहले दिल में तमन्ना आई कि मैं आइसक्रीम खा लूं, और टक करके उधर जो है अल्लाह का भला करे जो है मैं अभी पहुंचे अपने कैंप में आइसक्रीम. तो ये क्या था, उनके दिल में एक आरज़ू और तमन्ना और दुआ हुई और फौरन कबूल हो गई. तो कभी आप दुआ करते हैं ठप करके कबूल होती है, आपके भाई यार लाइट नहीं आ रही, यार लाइट आ जाए, आ गई.
तो इंसान कभी अपने मुंह से एक लफ्ज बोलता है और पूरा हो जाता है, कभी दुआ एक दिन में कबूल हो जाती है, अगली सुबह ही कबूल हो जाती है। इसको जो है वो दुआ की कबूलियत का पहला स्टेज बोलते हैं। हर बंदा चाहता है कि वो दुआ करे ठक कर कबूल हो जाए। दुआ की कबूलियत की जो दूसरी स्टेज है वो स्टेज है कि आपने दुआ फरमाई लेकिन अल्लाह उसका बेहतरीन वक्त जानते हैं कि वो दुआ कब कबूल हो। जैसे आप अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह पाक मुझे आईफोन जो है वो 12 प्रो ग्रो दे दें। अब अल्लाह आपको आईफोन 12 दे दे तो हो सकता है आप एरोगेंट हो जाए, तो आईफोन तो आ गया लेकिन आप ईमान से हाथ धो बैठे, आप शिर्क में पड़ गए। अगर आपको आईफोन दे इतना महंगा वाला जो 2.5-3 लाख का फोन है वो दे दें तो हो सकता है वो फोन मिलने की वजह से आपको कोई शख्स जो है वो चलते फिरते स्नैचिंग के चक्कर में आए तो आप कहें यार इतना महंगा फोन नहीं दे सकता, आप अपनी जान से हाथ धो बैठे। जैसे हमारा वाल सैन का एक स्टूडेंट था, वो स्नैचर्स एक जुगी में घुसे लूट मार करने के लिए, वो जब लूट मार करने के लिए घुसे तो वापस आया था। हमारा स्टूडेंट है वो टहलता हुआ जो है वो सामने से आ रहा था एंड ही डिड नॉट नो कि सामने उसकी मौत खड़ी है। वो उसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज थी, बाद में सोशल मीडिया में भी चली। तो वो जो अल्लाह का भला करे जो स्टूडेंट है हमारा वो उसकी वो चलता हुआ था, स्नैचर्स वहां से झुग्गी से बाहर ही निकले थे अभी, उन्होंने इससे मोबाइल मांगा, इसने रेजिस्ट किया और ये भागने की कोशिश की और उसने स्नैचर ने इसको क्लियर हेडशॉट मारा और वहीं ये मुंह के बल गिर के जो है वो शहीद हो गया। तो हो सकता है कि इतना महंगा फोन आपको मिल जाए लेकिन वो आपके हक में बेहतर नहीं है। अल्लाह को पता है कौन सी चीज कब तुम्हारे हक में बेहतर है, अल्लाह से बेहतरीन वक्त नहीं पता। तो अल्लाह पाक से आपने कोई चीज मांगी अल्लाह ने वो शय आपको दी। कुछ बच्चे दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक मेरे पीएससी स्टैंडर्ड उर्दू में ए स्टार आ जाए, उसमें उसके बी आ गए लेवल, क्यों भाई? ताकि तुम और मेहनत करो। और मेरे को पता चला जनाब ए टू मोस्ट डिफिकल्ट ग्रेड्स ए टू के होते हैं, अल्लाह उसको ए टू में 3 स्टारिक दे दिए। वो कहेगा यार ओ टू में मांग रहा था जो कि छोटे से स्टार थे और ये सबसे बड़े स्टार मुझे मिल गए, क्योंकि ए टू में सबसे मुश्किल है कि 3 स्टारिक लेकर आ जाए वो बंदा, उसमें 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अल्लाह की मर्जी है ना कि अल्लाह पाक आपको क्या है, कब इनायत करें। तो कभी आप दुआ करते हैं और वो दुआ कबूल होती है एक खास वक्त और एक खास जो है वो मौके पे, 3 महीने 4 महीने 10 साल 30 साल 60 साल अल्लाह की मर्जी। स्टेज 1 दुआ फौरन कबूल होती है, हदीस के अल्फाज हैं। स्टेज 2 दुआ कुछ अरसे के बाद कबूल होती है। स्टेज नंबर 3 ये है कि आपने दुआ की और वो दुआ कबूल ही नहीं हुई और आप फौत हो गए। अल्लाह पाक ने तो कहा है मुझसे दुआ करो मैं दुआ कबूल करता हूँ, अल्लाह तो दुआ कबूल करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन हो ही नहीं सकता। अल्लाह कह रहे हैं मुझसे दुआ मांगो मैं दुआ कबूल करता हूँ, लेकिन आपने अल्लाह से दुआ मांगी या अल्लाह पाक, अभी आप दुआ कर रहे हैं या अल्लाह पाक मेरी इस नामत में डिस्टिंक्शन आ जाए आमीन, या अल्लाह मेरी इस नामत में डिस्टिंक्शन आ जाए आमीन। तो आपने जो है वो दुआ कर ली। अब हुआ ये कि अगस्त के 2nd वीक में जब रिजल्ट आया तो आपका 8th तारीख आया लेकिन आपकी जो है वो उसके 3 महीने बाद डिस्टिंक्शन अनाउंस नहीं हुई, तो आपकी दुआ कबूल नहीं हुई। अब जरा आप समझ लें कि कयामत के दिन का सीन क्या है। हदीस के अल्फाज से मैं आपको उसके रुपये समझाता हूँ। आपने दुआ की थी, आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, पर अल्लाह पाक तो जनरस सखी है, अल्लाह तो वादे के पक्के हैं, अल्लाह पाक तो जरूर जरूर दुआ कबूल करते हैं। अब क्या हुआ, और आपने हदीस में भी पढ़ा था हर दुआ कबूल होती है और ये तो आपने हलाल और जायज दुआ की है कि आपकी डिस्टिंक्शन आ जाए। तो फिर हदीस में आता है कि वो लोग जिन्होंने दुनिया में दुआ की पर उनकी दुआ कबूल नहीं हुई तो रोज़े महशर कयामत के दिन अल्लाह पाक जो है उन हजरात को यानी उन अपने बंदों को अपने पास बुलाएंगे और उसको याद दिलाएंगे कि आपने दुनिया में फलाने दिन फलानी तारीख में मुझसे ये आरजू और दुआ मांगी थी, मैंने आपकी वो दुआ कबूल नहीं की, ना मैंने आपको दुनिया में इनायत की, ना ही मैंने आपको फौरन, ना ही कुछ महीनों या सालों बाद इनायत की, वो नेमत मैंने आपको नहीं दी। अब उस नेमत के बदले मैं आपको जन्नत की ये 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 नेमतें देता हूँ। जन्नत की नेमतों का पहाड़ लगा हुआ वहां पर, ये ढेर होगा नेमतों का। और ये नेमतें याद रखना, ये इटर्नल है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। ग्रेड तो डिस्टिंक्शन तो आपकी चंद महीनों की बात है। और आपको अगर आपने एक लैंड क्रूजर गाड़ी मांग ली, लैंड क्रूजर आपके साथ कितने साल रह सकती है, 60 साल 70 साल 80 साल, उसके बाद तो आप नहीं रहेंगे, लैंड क्रूजर रहेगी पर आप नहीं रहेंगे। तो अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह कहेंगे उस दिन, अल्लाह खुद बात करेंगे बंदे से, ए मेरे बंदे तूने दुनिया में ये शय मुझसे मांगी, मैंने तेरी आरजू कबूल नहीं की, अब मैं उसके बदले तुझे ये 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 इनामात जन्नत के देता हूँ, पहाड़ होगा नेमतों का। तो क्या है मेरे बंदे, तू मुझसे राजी है? तू लेवल ऑफ जेनरोसिटी चेक कर, लेवल ऑफ जेनरोसिटी चेक कर। अल्लाह खुद पूछेंगे, ए मेरे बंदे उसके बदले ये सब देता हूं, क्या तुम खुश हो, क्या तुम राजी हो? तो हदीस के वर्ड्स हैं, जब बंदा ये ऑफर सुनेगा तो वहां खड़े होकर बोलेगा, ए काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती और हर दुआ के बदले मुझे जन्नत के इतने इनामात मिलते। अब समझना इंसान कैसा अजीब सा है ना। अभी हम दुनिया में क्या बोलते हैं, ए काश मेरी हर दुआ कबूल हो जाए, और जब जन्नत जाएंगे तो वहां जाके जो है वो इनामत देके बोलेंगे, ए काश मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। तो तुम ना दुआएं बहुत ज्यादा किया करो, अगर तुम्हें 2 दुआएं करनी है तो 20 किया करो,
ताकि 30% या 20% जो इनामात दुनिया में मिल जाए, बाकी कबर में और आखिर में, जो कि हमारी हमेशा की जरूरत है। तो हर दुआ कबूल होती है, कभी फौरन, कभी कुछ महीनों या सालों बाद फौरन दुआ की कबूलियत की, सर जुनेद की मिसाल दी आपको मैंने, और कुछ अरसे या जमाने के बाद, जैसे प्रॉफिट की फौरन दुआ की मिसाल, प्रॉफिट बोला या अल्लाह वी बेग यू टू डिफीट द कॉन्फेडरेट्स, प्रॉफिट ने ट्रेंच में दुआ की और उसी वक्त तूफान आ गया, तो ये दुआ की कबूलियत की पहली स्टेज थी। प्रॉफिट ने दुआ की या अल्लाह फलानी फलानी जो है वो ताइफ के लोगों को हिदायत दे, 11 साल बाद दुआ कबूल की, स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 3 वो तो हम जब अल्लाह से मिलेंगे तो मामला देखेंगे, हदीस में प्रॉफिट ने समझाया। तो दुआएं सारी कबूल होती हैं, अजान हो रही है तो आप पॉइंट्स भी लिखते रहे, मीनवाइल जो है वो अजान का वक्फा भी कंप्लीट हो जाएगा। So people of Taif are insecure to be invaded. So there is an army of 20,000 under the belt of Malik bin Auf. Malik bin Auf forced them to take women, children, possessions and livestock to the battlefield along with their soldiers. Point number 6, sorry. In 8th, they camped at the valley of Hunain. Their archers hid behind the rocks
over a narrow pass. Hid behind the rocks over a narrow pass. Perfect peace upon him brought an army of 12,000 to deal with him. While crossing the narrow pass, the Muslim army received a shower of arrows and stones suddenly. While crossing the narrow pass, the Muslim army received a shower of arrows and stones suddenly. There was a chaos in the columns of Muslims after that. Many companions began to retreat. Many surrounded Prophet peace upon him. Many companions began to retreat and many surrounded Prophet peace upon him. Prophet peace upon him kept on advancing on his mule, calling believers to the group. Prophet kept on advancing on his mule, calling believers to the group. His mule was stopped by Hazrat Abbas. And Hazrat Abu Sufyan. His mule was stopped by Hazrat Abbas and Hazrat Abu Sufyan. Dismounting the mule, he, peace be upon him, prayed to Allah, seeking help. He prayed to Allah seeking help. He instructed Hazrat Abbas, Jinpi Abbas mate Ajani, who had a louder volume. He instructed Hazrat Abbas to call believers to the group. On the call of Hazrat Abbas, believers regrouped to walk. A fierce war occurred at Hunain between Muslims and Taif. Prophet peace upon him threw thus in the air, saying, may your faces be shameful. Violent sandstorm. Assalamualaikum. Assalam. Ji sir. Ji ji. A violent sandstorm broke out, after which the eyes of enemies were thick with the dust. After which the eyes of enemies were thick with the dust. Were thick with the dust. 70 men of Taif were killed.
Malik and others fled to Taif. Muslims gained victory at Hunain along with rich spoils of war. Captives, B, 24,000 camels, C, 40,000 plus sheep, D, 4,000 ounces of silver. Ounces ka matlab hota hai unit of measurement. Muslims then besieged the city of Taif. Whenever Muslims advanced to the city, the Muslim troops received a shower of arrows and stones. Now, I'm writing a brief version. You will write this brief version. You will follow my points, otherwise the answer time will not be finished. Whenever Muslims advanced to the city, the Muslim troops receive shower of arrows and stones. Twelve martyrs and many were severely wounded. The siege lasted between 10 to 40 days until Prophet, peace upon him, ordered to abandon the siege. When Muslims returned to Medina, people of Taif visited Medina. Request freedom of their families and return of their wealth. When Muslims returned to Medina, people of Taif visited Medina to request freedom of their families and return of their wealth. Prophet, peace upon him, asked them to choose anyone. They chose freedom of their families. Prophet, peace upon him, released those captives who were in his custody. The companions followed the footsteps of Prophet and released all those captives who were in their custody. Touched by the generosity of Prophet and companions, the people of Taif accepted Islam. Please type done when you are done. برکت والا درود ہے اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
बेटा ये 30 पॉइंट से मैं फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट कॉपी करके नहीं भेज सकता, आपको बाद में पीडीएफ देखनी होगी। बाय द वे कौन कौन सा मक्का तक की पीडीएफ तो मैंने अपलोड कर दी है। अस्सलाम वालेकुम सर, यार ये काम नहीं कर रहा है तो 17 onwards, 18 onwards. कोई एक स्टूडेंट जो एंड्रॉइड यूज कर रहा हो या विंडोज यूज कर रहा हो, सारे पॉइंट्स कॉपी करके मुझे भेज दिया करे यार। एक स्टूडेंट, कोई एक स्टूडेंट भेज दे मुझे, मैं फिर वो सारे दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सारे 30 के 30 पॉइंट्स एक ही मैसेज में। अरे यार ये देखो क्या मसला शुरू हो गया। 13 पॉइंट्स आ रहे हैं भाई मेरे पास। मरियम तनवीर ट्राई करें 30 के 30 एक साथ वो हो जाए। 30 के 31 पॉइंट्स है, जितने भी हैं सारे एक साथ कॉपी हो जाए। मेरे पास कॉपी नहीं होते, ये मैकबुक का मसला है। कर दूं सर स्टार्ट? नहीं जी, कोई भी नहीं भेज पा रहा, सबके 13 पॉइंट्स आ रहे हैं या आखिरी के पॉइंट्स आ रहे हैं। रहने दे भाई, पीडीएफ में ही देख लीजिएगा, नहीं होंगे कॉपी एक साथ। ये या तो फिर ये जूम एप्लीकेशन की रिस्ट्रिक्शन है। आई एम एबल टू कॉपी ऑल 31 पॉइंट्स। भेजो अब्दुल्ला जिशान, भेजो, एक ही मैसेज में आना चाहिए 31 पॉइंट्स। चले छोड़ें, किस काम में लग गए यार, नहीं आ रहे एक साथ, मेरे पास नहीं हो रहे, आपके पास भी नहीं हो रहे कॉपी, चिल करें। आप जीआर नंबर 65 है हसन, आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग का ही नहीं पता आज तक? नहीं नहीं मुझे व्हाट्सएप नहीं गया, मेरे पास तो लिखा हुआ, मैं यहीं पर आप कॉपी करके भेजते, स्टूडेंट्स को एक ही मैसेज में भेज देता, आप रहने दें, इतनी मुसीबत हो रही है तो इस तरह से तोड़ तोड़ के तो मैं भी कॉपी कर सकता हूँ। पॉइंट एंड लिखे मिस हो गए, चलो तुम्हारे लिए मैं कुछ करता हूं। एंड लिखे पॉइंट अगर मिस हो गए तो जाते हैं फ्रॉम हुसैन पे, अक्टूबर नवंबर में बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट, इवेंट्स फॉलोड बाय कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। ये लो भाई, ये आ गए भाई आखिरी के पॉइंट्स। कर दो स्टार्ट,
या इतना टाइम लोगे तब्बू हो ही नहीं पाएगा। रिकॉर्डिंग के लिए अपने कैंपस हेड को कॉल करें। अ फ्यू स्टूडेंट्स आर टेक्स्टिंग आवर कैंपस हेड, सो वो नहीं हो पाएगा, उनको आपसे पूछना होगा आपकी फी, आपके जीआर नंबर और आपके जो कैंपस के बारे में, फिर वो आपको आपका ईमेल एड्रेस पूछेंगे और उस ईमेल एड्रेस को जूम के आपके ईमेल आईडी से कंपेयर ईमेल एड्रेस को मैच करके आपको वन ड्राइव में एक्सेस देंगे, जिसमें उनको 3-4 मिनट लग जाएंगे एक्सेस देने में, बिकॉज दे नीड टू गो टू द वेबसाइट कॉल्ड दैट इज द लिंक onedrive.com, फिर वहां पर वो मेरी आईडी लॉगिन करके फिर आपको एक्सेस देंगे। तो उसमें होगी काम फोन पे हो सकता है, तो व्हाट यू शुड बी डूइंग कि आप जब अपने कैंपस हेड को एक कॉल कर लें, आराम से उनसे बात कर लें, उनके कहें कि आप मुझसे मुझे OneDrive का एक्सेस चाहिए और ये इस तरह मैं स्टूडेंट हूं, अपना सेक्शन बताएं। तो नाउ दे आर डूइंग दैट, और मैं देख रहा हूँ कि कल से आज तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने OneDrive को जो है पहली बार खोला है, कि मेरे पास भी नोटिफिकेशन आती है, सो इट मीन्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग एक्सेस ऑफ OneDrive टू OneDrive फोल्डर। वहीं पर रिकॉर्डिंग से भाई वो आपके पास ईमेल जब आ जाएगी, दोबारा करें अब्दुल मुईज को कॉल, ईमेल आ जाएगी आपके पास, तो ईमेल पे आप क्लिक करेंगे और ईमेल पे जो फोल्डर बना उस पर क्लिक करने का, तो आपसे आपका ईमेल पूछेगा, आपका पासवर्ड पूछेगा, और उसके बाद आपसे कोड मांगेगा जो आपके जंक या स्पैम मेल में आपके इनबॉक्स में आएगा, वो कोड एंटर कर दीजिएगा। इनवैलिड इसलिए शो कर रहा होगा अनुषा जहरा, क्योंकि आपने कोड मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्ट कर लिया होगा और फिर आप जो कोड एंटर कर रही होंगी वो कोड जो है वो शायद पुरानी वाली रिक्वेस्ट का हो, तो आप दोबारा एक ही टाइम पे कोशिश करें पुरानी सारी ईमेल्स को भूल जाए, आज क्लास के एंड में दोबारा से उस फोल्डर को फॉलो करें, ईमेल एड्रेस पासवर्ड डालें, फिर वो कोड मांगे, फिर वो जो मोस्ट रिसेंट कोड आया होगा वही कोड एंटर करें, और कोड एंटर करने की भी एक टाइम ड्यूरेशन होती है, सिर्फ फॉरन कोड एंटर करना होता है, यूजली जो है वो वेबसाइट जो है वो कोड एंटर करने के लिए 2.5 मिनट्स का टाइम दे रही होती है, तो हो सकता है कि आप कोड देर से एंटर कर रही हो, कोशिश करें लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर बैठ के लॉग इन करें, जल्दी जल्दी काम हो जाता है, वैसे तो मोबाइल में भी हो जाता है, आजकल की नस्ल मोबाइल पे तेज है। सर अब ये मसला ये है कि तौकीर अब्दुल मुईज ये लोग मसरूफ लोग हैं, जाहिर है आपके अलावा कई लोग उनको कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं, प्लस उनकी एक सर्टन जॉब भी है, कैंपसेस को देखना, एडमिशंस को, पेरेंट्स को डील करना, फी कलेक्ट करना, टीचर्स को मैनेज करना, सो व्हेनेवर दे गेट टाइम दे विल डू दैट, ऑब्वियसली तब तक आप कैंपस विजिट नहीं करते तब तक ये परेशानी तो आपको रहेगी, लेकिन ये इतना अर्जेंट भी नहीं है OneDrive का एक्सेस आपको मिलना, तो ग्रेजुअली हो जाएगा, थोड़ी तकलीफ जरूर होगी लेकिन ये एक बार की तकलीफ है, क्योंकि आपको बार बार किसी से लिंक मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से रिकॉर्डिंग मांगने की जरूरत नहीं है कि सर मुझे फलाना लेक्चर भेजें फलाना लेक्चर भेजें, एक ही बार आपको एक्सेस मिल जाएगा तो आप सुकून में आ जाएंगे। सुबान आपका अकाउंट इसलिए एक्सेसिबल था, ये बाद में इसलिए आपसे एक्सेस ले लेगा कि आपने फी में डिफॉल्ट किया होगा, तो आपको जो है जूम से और वहां से रिमूव कर दिया गया होगा, तो अब आपको दोबारा से जो है वो रिक्वेस्ट करनी होगी कि आपको OneDrive से रिमूव किया होगा। ब्लैंक पेज भी खत्म हो जाए तो सर फिर क्या करना होगा, फिर तो कुछ भी नहीं करना होगा, फिर तो ये एक इंतजार करना होगा, फिर आप अपना कोई एक्स्ट्रा पेज यूज करेंगे और एक्स्ट्रा पेज यूज करके आप जो है उस पर काम कर लेंगे। देखिए सर पैराग्राफ नंबर 2, ईयर ऑफ डेलीगेशंस, तो ये सूरह की जो आयात है ये आप लोग अक्सर मुझसे सुनते रहते हैं, और वो आयात है इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह, जब हमने आपको मक्का फतह करके दे दिया तो उसके बाद क्या हुआ, वरअयतन्नासा, फिर लोग, यदखुलूना, दाखिल हुए, फी दीनिल्लाहि, अल्लाह के दीन में, अफवाजा, कैसे, फौज दर फौज दर फौज, जब काबा के अंदर आइडल से, जो पूरा मक्का आइडल वर्शिपर था, जब काबा के अंदर जो है वो हमारे पास जो है इस्लाम आ गया तो पूरा मक्का जो है वो पूरा अरबिया जो है वो मुसलमान हो गया। सो हजरत मोहम्मद सल्लम, वैसे आपस की बात ये है कि जब प्रॉफिट पीस ऑन जो है वो कैप्चर ऑफ मक्का के लिए जा रहे थे तो मदीना के लोग बड़े इमोशनल हुए थे अंसार से, एंड दे वर लाइक यासू बॉय यू आर गोइंग टू कैप्चर सिटी, जो कि आपका आबाई इलाका है, जहां पर अल्लाह का पहला घर है, द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ गॉड ऑन अर्थ इज द बिल्डिंग ऑफ काबा इन द सिटी ऑफ मक्का, यू आर बॉर्न देयर, योर फैमिली इज लिव देयर, तो वी हैव अ फियर एंड वी आर गेटिंग इनसिक्योर कि व्हेन आफ्टर द इन्वेजन ऑफ मक्का यू विल स्टे ओवर देयर एंड यू विल नॉट कम बैक टू अस, तो अंसार बहुत इमोशनल हो रहे थे कि प्रॉब्लम की सिटी से हमेशा के लिए शायद चले जाएंगे,
Hazrat Muhammad ﷺ ने अंसार्स को इस बात की श्योरिटी दी कि whatever is going to be the consequences of the capture of Makkah, I will return and come back to the city of Medina and will stay with you people till my last breath. क्योंकि आपने मुझे तब साथ दिया जब मेरे अपने लोगों ने मुझे निकाल दिया, तो मैं आपके ही शहर में आके रहूंगा. सो हुजूर इस्लाम ने मक्का कैप्चर तो कर लिया, लेकिन प्रॉफिट पीस ने कैपिटल जो है वो मदीना को ही रखा. हजरत मोहम्मद सल्लम मक्का कैप्चर करने के बाद मक्का में अपने एक गवर्नर को अपॉइंट करते हैं जिनका नाम है हजरत अताब बिन आसिद, और अताब बिन आसिद को प्रॉफिट ने गवर्नर अपॉइंट किया और नबी इस्लाम केम बैक टू द सिटी ऑफ मदीना. अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस लौटते हैं तो फिर वो अली आयत कि एक मक्का फतह हो गया तो वराई तन्ना से यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफवाजा, अब लोग हजारों की तादाद में इस्लाम में दाखिल हुए. डेलीगेशंस ओवर डेलीगेशंस ओवर डेलीगेशंस दे वर कमिंग टू द सिटी ऑफ मदीना टू मीट हजरत मोहम्मद पीस अपॉन. सबने देख लिया इस्लाम सच्चा रिलीजन है, मोहम्मद पैगंबर अल्लाह के सच्चे पैगंबर रसूल है. तो अब डेलीगेशंस हजारों की तादाद में लोग प्रॉफिट के पास आ रहे हैं इस्लाम कबूल मिलने और मुलाकात करने, क्योंकि सो मेनी डेलीगेशंस came to the city of Medina to meet Hazrat Muhammad peace upon him by the end of 8 AH. This is why the year 8 AH became to be known as the year of dedications. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke paas do tarah ke log aaye, kuch log aise aaye those who accepted Islam. Jinhone Islam qabool kar liya, unhone Hazrat Muhammad sallam se vaada kiya ki every year they are going to pay taxes to Medina and those taxes will be every year they are going to pay taxes to Medina and that tax would be zakat. लेकिन देयर वर फ्यू पीपल हु रिमेन नॉन बिलीवर्स, लेकिन जो नॉन मुस्लिम से उन्होंने भी प्रॉफिट को विजिट किया. दे से दैट कि आवर एरिया कम नाउ अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मदीना व्हिच इज द बिगेस्ट पावर ऑफ दैट टाइम नाउ, जो प्रॉफिट ने अरबी एंपायर बनाया. बट दे मेड एग्रीमेंट टू प्रॉफिट दैट एवरी ईयर दे विल दे वुड पे ट्रिब्यूट यानी टैक्सेस टू सिटी ऑफ मदीना, और वो टैक्सेस जो नॉन मुस्लिम देंगे वो कहलाता है जिजिया. तो इन तमाम लोगों ने जो प्रॉफिट के साथ आके मुआहदे किए, इस्लाम कबूल किया. प्रॉफिट पीस अपॉन वाज एन अमेजिंगली इंटेलेक्चुअल पर्सन, और प्रॉफिट पीस अपॉन दुनिया में सबसे ज्यादा फहम के मालिक थे. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का अंदाजा लगा सकते थे कि दीस पीपल हु आर एंटरिंग इन थाउजेंड्स इन नंबर हु आर एंटरिंग एंड कमिंग टू द फोल्ड ऑफ इस्लाम, मोस्ट ऑफ दीस पीपल आर नॉट इंस्पायर्ड बाय द ब्यूटीज ऑफ इस्लाम, दे आर इंस्पायर्ड बाय द ग्रोइंग पावर ऑफ इस्लाम. आज इस्लाम के फॉलोअर्स या मुस्लिम उनका एम्पायर बहुत पावरफुल होता जा रहा है तो इस्लाम में आ रहे हैं, कल को मुसलमान वीक होंगे तो इस्लाम छोड़ के भाग जाएंगे. ऐसे ही हुआ था प्रॉफिट की डेथ के फौरन बाद इन्हीं ट्राइब्स ने आके अबू बकर सिद्दीक से कहा था कि आप ये तमाम एग्रीमेंट हमसे कैंसिल करें, हमारा एग्रीमेंट रसूल सल्लम के साथ था, हमारा एग्रीमेंट आपके साथ नहीं है, तो हम एग्रीमेंट करेंगे, हम टैक्सेस नहीं देंगे. सो प्रॉफिट को अंदाजा था कि ये लोग इस्लाम की खूबसूरती नहीं, इस्लाम की ताकत देख के इस्लाम में आए हैं, तो इस्लाम से तो इंस्पायर होना है, उसकी ताकत से नहीं. तो हजरत मोहम्मद सल्लम ने इसीलिए इनके इलाकों में मिशनरीज यानी प्रीचर्स को भेजा कि जाओ इनको सही दीन पढ़ाओ और इनको इनको सही दीन इसके पढ़ाओ ताकि दे विल बी यू नो ऑब्जर्विंग लर्निंग इस्लाम क्लोजली एंड दे विल फॉल इन लव विद द ब्यूटीज ऑफ इस्लाम instead of you know getting inspired or getting in touch with this growing power of Islam. To us samne tabligh log bheje, isse ye hua ki jab bahut sare ilakon mein sahaba jaake tabligh karte rahe to Islam jo hai wo pure Arabia mein aur zordar flourish hua. Yahi wajah thi ki capture of Makkah mein aapki abadi 10,000 plus thi, aur aap jab 1.5 saal ke baad last sermon padhenge jo ki agla topic yani ki aage aane wala topic hai Tabuk ke baad, to usme aap dekhenge ki last sermon ke prime pe Allah ko khush rakhe. यहाँ पर जो है मामला ये होगा कि प्रॉफिट को सुनने वालों की तादाद 144,000 होगी. अब हम हजारों से लाखों में चले जाएंगे विद इन अ वन एंड हाफ और टू इयर्स. उसकी वजह ये है कि कैप्चर ऑफ मक्का के बाद पूरा अरबिया यूनिफाई हो रहा है, और मैंने आपको जो है वो कल की क्लास में बताया था यूनिफिकेशन ऑफ अरबिया का मतलब ये है पूरे अरबिया का खुदा एक, किताब एक, रसूल एक और मजहब एक. तो मेजोरिटी ऑफ द अरबियन पीपल दे एक्सेप्टेड इस्लाम, और आज भी आप देखते हैं अरबिया में सारे ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज हैं. तो उसकी वजह यही है कि हजरत मोहम्मद सल्लम ने जब मक्का कैप्चर किया तो उसके बाद अरबिया यूनिफाई होना शुरू हुआ, जो कि 2 साल के अंदर ही मामला हो गया. वलाइतन्नासा, तो ये ईयर जो है वो प्रीचिंग के हिसाब से प्रॉफिट पीस ऑन की रेपुटेशन तबलीग के हिसाब से बड़ा खास है, लेकिन क्योंकि इसका नाम ईयर ऑफ डेलीगेशन रखा गया, वो डेलीगेशन इसलिए क्योंकि इस ईयर प्रॉफिट के पास मदीना में बहुत सारी डेलीगेशन आई थी. तो लिखना शुरू करते हैं. After seeing him, Prophet peace upon him returned to Medina appointing his governor in Makkah. Appointing his governor in Makkah.
गवर्नर का नाम था अताब बिन आसिफ। Many tribes and individuals visited him in Medina. Many tribes and individuals visited him in Medina. As many delegations came to Medina, this is why the year 8th became to be known as ADH. This is why ADH is called the year of delegations. Many accepted Islam and many signed treaties. Many accepted Islam and many signed treaties. They promised to pay taxes to Medina. They promised to pay taxes to Medina, zakat ya phir jizya. Muslim hoga to zakat dega, non-Muslim hoga to jizya dega. Prophet peace upon him sent preachers to their areas. जहां पर भी आपने वो काम खत्म किया था, बैटल ऑफ हुनैन और ताइफ का, तब सीजो हुनैन ताइफ का उसके आगे कंटिन्यू किया मैंने। देखिए ना, सीजो हुनैन ताइफ था, वो होता रहा और उसके मैंने एंड में लिख दिया तबुक से पहले। किसी बहुत सारे बच्चों के पास जगह ही नहीं होगी तो उन्होंने फिर एक्स्ट्रा शीट्स यूज की होंगी। बाद में इन्होंने टैक्स देना क्यों छोड़ दिया मास, ये तो कैलिफेट में पड़ेंगे ना यार। जिजिया टैक्स होता है, मुसलमान जो टैक्स पे करता है उसका नाम जकात होता है, नॉन मुस्लिम जो टैक्स पे करते हैं उसका नाम जिजिया होता है। जी दिखा दिया पीटू, नहीं तो सरकार 2.5% होती है और जिजिया कभी कभार जो है कैश पर हो तो 5% होता है, वरना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उसकी वैल्यू जो है वो निगोशिएबल होती है। जी नोट्स आज से कोचिंग में अवेलेबल है, आर्टिकल्स ऑफ फेथ के नोट्स अवेलेबल है। सो अगर आप जो है वो कोचिंग विजिट करेंगे तो आज विजिट करें तो आप आर्टिकल्स के नोट्स ले सकते हैं, और आपको उसके लिए दिसंबर की फी लाजमी पे करनी होगी। और उसका दूसरा मामला, आपकी स्क्रिप्ट जो है वो ट्यूजडे से अवेलेबल होगी। रिव्यू बुक ईयर एंड पे अवेलेबल होती है, मार्च के महीने में दे दी जाती है रिव्यू बुक। आगे बढ़ जाओ, डन हो गया।
हाँ संडे को तो कोचिंग बंद होता है, सही कह रहे हो। आज कोचिंग बंद होगा, सॉरी सॉरी, कल कल जाना कल। चलो मेरा बेटा, पेज नंबर 33, क्वेश्चन ए। क्वेश्चन ए, ट्रेस द मेन इवेंट्स Trace the main events of the last years Trace the main events of the last years of Prophet Muhammad, peace upon his life. Trace the main events of the last years of Prophet Muhammad, peace upon him's life. पहले आप लिखेंगे इस आंसर का फ्रेम, फिर उसके नीचे आएंगे तीन पैराग्राफ्स, पी वन आ जाएगा, पी टू आ जाएगा और पी थ्री आ जाएगा। इस आंसर का फ्रेम है, ईयर्स का मतलब है आंसर 9 आफ्टर हिजरी से स्टार्ट होगा और आंसर 11 आफ्टर हिजरी पर खत्म होगा। 9 आफ्टर हिजरी से अगर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले 9 आफ्टर हिजरी में आएगा तबूक एक्सपीडिशन, फिर पैराग्राफ नंबर 2 में 9 आफ्टर हिजरी के ही एंड में अल्लाह पाक ने हज को फर्ज किया, ऑब्लिगेशन ऑफ हज। टेन आफ्टर हिजरी के एंड में हजरत मोहम्मद साहब ने हज खुद अदा किया, प्रॉफिट्स हज एंड सेरेमन। एक काम करना, प्रॉफिट्स हज एंड डिवाइस कर दो इसको, प्रॉफिट्स हज एंड डिवाइस। तबूक के साथ लिखे 9 AH, ऑब्लिगेशन ऑफ हज के साथ भी लिखे 9 AH और प्रॉफिट्स हज में लिखे 10 AH एंड 11 AH में डिवाइस। अब्दुल्ला काजी, ये बाकी तीन वही पैराग्राफ तो हैं, बीच में क्वेश्चन लिखवा दिए ना कि वो जो है उसको मैंने क्वेश्चन बना के सीक्वेंस याद करा दी, ये क्वेश्चन अब जब आएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन तो वही है ना, पिछले तीन पैराग्राफ देखो यही तो थे, तबूक हज और प्रॉफिट हज एंड डिमाइस। आप लोगों से आप ट्यूसडे को मुलाकात होगी, आर्टिकल्स ऑफ फेथ में बिलीफ इन लास्ट डे और बिलीफ इन एंजल्स के टॉपिक्स होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बैकअप में क्या होगा, बैकअप में क्या स्टार्ट करें हम लोग, वेटास के स्टूडेंट्स को सिर्फ ट्यूसडे को क्लास लेनी होगी, थर्सडे को नहीं। वेटास के स्टूडेंट्स जो हैं वो अब करेंगे ये कि वो लोग जो हैं वो ट्यूसडे को मेरे साथ मॉर्निंग वाली क्लास में वो खैबर वगैरह पढ़ लेंगे, ताकि उनका और आपका ये वाला कोर्स फ्राइडे सैटरडे वाला कंबाइन हो जाए। और वेटास के स्टूडेंट्स उस दिन खाली पी टू की शाम वाली क्लास लेंगे, दोबारा फिर मैं उनको पी टू मॉर्निंग में पढ़ाई करूंगा। तो वेटास वालों को सिर्फ ट्यूसडे वाली क्लास लेनी होगी शाम की, फिर थर्सडे को मॉर्निंग में वो लोग पी टू पढ़ लिया करेंगे और वीकेंड्स में वो लोग पी वन पढ़ लिया करेंगे। मैं क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा वेटास के स्टूडेंट्स को। वेटास स्टूडेंट्स स्टॉलवर्ड्स कहलाते हैं, नूरुल ऐन रजा स्टॉलवर्ड्स। पूछा करें स्टॉलवर्ड्स को आना है कि नहीं आना है, ऐसे बोला करें, थोड़ा स्वैगी लगता है। पॉइंट्स ही तो दिखा रहा हूं सर, पॉइंट्स ही तो हैं सामने स्क्रीन पर जी। ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग में हर लेक्चर की अपलोड करता हूं, तो आज भी अपलोड कर दूंगा।
सी जो हुनैन था एक क्वेश्चन दिखा दे बस आयजा आ जाए ईयर ऑफ डेलीगेशन कंसाइज ही होगा उसका कोई लॉन्गर वर्जन नहीं है सी जो हुनैन था एक क्वेश्चन ये रहा भाई जी मुसलमान जो जो टैक्सेस पे करते हैं असल में एक ही टैक्स होता है स्टेट टैक्स ही ज़कात टैक्स होता है जहां इस्लामिक गवर्नमेंट होती है इस्लामिक गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो 2.5% ऑन ऑल होता है वहां पर ये होता है आप इतना कमाते हैं तो आप इतना दें आप इतना कमाते हैं तो आप 20% दें आपकी कंपनी है तो आप 30% दें वो अलग रूल नहीं है यहाँ पर इस्लाम में इस्लाम में ये सारे अमीर जो है वो 2.5% दें और जो गरीब है वो टैक्स ना दें और भी टैक्सेस होते हैं इस्लाम में प्रॉपर्टी टैक्स होता है फिर जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का टैक्स है उशर जिसे कहते हैं वो फिर आप कैलकुलेट में पड़िएगा जी मैं बताऊंगा सब बताऊंगा प्रॉफिट्स कैसे मजाक करते थे हजरत अली की एग्जांपल आई है तो प्रॉफिट हजरत अली मजाक कर रहे थे उसमें एक बच्चा कह रहा है स्टॉलवर्ड का मतलब बेवकूफ है स्टॉलवर्ड का मतलब जो है वो उर्दू में आप देखेंगे तो डिक्शनरी तो उर्दू की गलती कर सकती है ना स्टॉलवर्ड का मतलब होता है लॉयल एंड रिलायबल एंड हार्ड वर्किंग मेंबर ऑफ सोसाइटी मेहनती लोगों को बोलते हैं स्टॉलवर्ड्स आपका इंटरनेट स्लो होगा आदम करीम इसलिए आप जब रिकॉर्डिंग प्ले करते होंगे तो उसमें प्रॉब्लम आती होगी डाउनलोड करके जब देख रहे हैं तो उसको डिलीट कर दिया करें जूम तो हुआ यार कितना जूम करूं फी कार्ड प्रिंटो के मेरे ख्याल से आ गए होंगे तो मिल जाएंगे जल्दी अदीना साहिबा आई विल सी देयर आंसर इंशाल्लाह मुझसे वैसे यार हम देख रहे थे कि जब सैंड स्टॉर्म ब्रोक आउट अगेंस्ट द फेसेस ऑफ द एनिमी तो हमारे लिए वो कम हमारे पीठ पर उसका जो है वो असर था और उनके चेहरों की तरफ था तो जो डायरेक्शन थी सैंड स्टॉर्म की दैट वाज डैमेजिंग देम तो वो जो एंगल था जिस तरफ जो रुख था उसका हवा का वो उनके अगेंस्ट था ईयर ऑफ डेलीगेशन के पॉइंट्स दिखा दें ये रहे ईयर ऑफ डेलीगेशन के पॉइंट्स जो वन ड्राइव है वो अपडेट होती रहती है जैसे आज मैंने वन ड्राइव में जो है वो अभी एक रिकॉर्डिंग में आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा और फिर वन ड्राइव में मैंने आज फजर के बाद जो है वो कॉन्कर्स ऑफ मक्का और इवेंट्स फॉलोड बाय ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की पीडीएफ शेयर कर दी तो वो अपडेट होती रहती है आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ लेंगे उसके एक दिन बाद आप देखेंगे आपको उसमें उसका लेक्चर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और 2 से 3 दिन के बाद उसकी पीडीएफ अपलोड हो जाती है मुझे बताएं कहां लिखा हुआ है ज़कात एक्सक्लूडिंग स्टेट टैक्सेस बता दें पेज नंबर बता दें मुझे साहिबजादा बख्तावर तो फिर प्रोसीजर हराम हो जाएगा ना अगर आपने जो सिचुएशन लिखी है थर्ड पार्टी डोनर के सेल्स अगर मर्ज होंगे तो प्रोसीजर हराम हो जाएगा प्रॉफिट पीस अपॉन का मैंने ये लिखा है कि प्रॉफिट सीओएम के बाद पहले हुनैन टाइप गए थे फिर मदीना गए थे इवेंचुअली तो मदीना ही गए थे ना तो वो मैंने ईयर ऑफ डेलीगेशन के हिसाब से लिखा है पढ़ाया तो मैंने ही आपको सीओएम के बाद प्रॉफिट हुनैन गए फिर टाइप गए वहां से प्रॉफिट मदीना गए मोहम्मद नाहियान
लेकिन जाहिर है वो फॉर द सेक ऑफ द आंसर मैंने ऐसे किया है, इवेंचुअली तो प्रॉफिट मदीना गए, तो स्टेटमेंट तो गलत नहीं है। टाइप का बड़ा वर्जन मैंने आपको सुनाया अभी, वो कैसल की स्टोरी आएगी, जब हमने उनके कैसल में जाने की कोशिश की, we received shower of arrows, फिर we got out of their zone, we went on the higher slope, वहां से we shelled boulders through catapults, we broke their wall, फिर wooden car के साथ हम अंदर गए, और they threw hot molten iron on us, जो कि पिघला हुआ जो होता है, जो लो iron होता है, वो उन्होंने पे फेंका, तो our ship got, our wooden car got burned, so we had to come back. फिर हमने जब जब अंदर जाने की कोशिश की, वी वर फेल टू डू सो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वाइन विनयार्ड्स जो थे उनके बागात जलाने की बात की, तो उनमें से 23 लोगों ने सरेंडर किया, येट मोस्ट ऑफ द पीपल स्टेड इनसाइड द कैसल, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 40 डेज के बाद या 20 डेज के बाद सीज को अबैंडन कर दिया। ये तफसील आती है। ये था जी पेज 33। कंजा गिदवाई वेबस्टर डिक्शनरी खोले तो आपको स्टॉलवर्ड की मीनिंग मिल जाएगी। सिंगुलर जो स्टॉलवर्ड है उसका मतलब आ रहा है जी, मार्क बाय आउटस्टैंडिंग स्ट्रेंथ एंड विगर ऑफ बॉडी माइंड और स्पिरिट। सो बेवकूफ तो जो वो बेसिकली उर्दू की मीनिंग में आ रहा है। तो देर आर वर्ड्स इनके मल्टीपल मीनिंग होते हैं, जैसे कि स्वेरिंग, टू स्वेर का मतलब गाली देना भी होता है, टू स्वेर का मतलब कसम खाना भी होता है। इन्फॉर्मेशन मैंने रीचेक कर ली, ऐसा है नहीं, उर्दू में तो बेवकूफी आएगा, वर्ड इंग्लिश का है ना। चले जी, मेरे ख्याल से क्लास खत्म करते हैं, इंशाल्लाह हम मिलेंगे ट्यूसडे को पेपर टू की क्लास के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीम एसएस का मतलब है टीम एसके सॉल्यूशंस, और टीम एसकेएच का मतलब है टीम सरफरोश हुसैन।